compete, crack, conquer. A challenging GET contest, engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you. Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GET till date. With the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GET deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GET challenge. Unacademy Combat. Register now. Hello everyone. So once again, welcome to Unacademy GET ME XE PI YouTube channel. So this is a second lecture on the refrigeration air conditioning, right? जिसमें हम cover कर रहे थे basics of the refrigeration air conditioning, right? So basics आपको अच्छा करना है, उसके बाद then we will start the cycles problem, right? So before starting the session, आज का जो session है, आज के session को start करने से पहले, right? लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. ठीक है, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, जो फर्स्ट टाइम चैनल पे बच्चे आए हैं उनको उनके लिए. माई सेल्फ संदीप चंद्राकर एंड आई सिक्योर्ड AIR 242 इन GET 2011 एग्जाम एंड आफ्टर दैट आई डिड माई मास्टर फ्रॉम IIT दिल्ली इन थर्मल इंजीनियरिंग, राइट. सो जो सब्जेक्ट मैं बेसिकली डील करता हूँ, दो सब्जेक्ट्स आर बेसिक्स ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हो गया, देन उसके बाद आपके पास एप्लीकेशन वाला पार्ट, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, IC इंजन, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन्स, हीट ट्रांसफर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. सो दीज आर माई सब्जेक्ट्स. ये सब्जेक्ट जो है वो बेसिकली मैं डील करता हूँ, राइट. और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन, आइदर इट इज़ अ प्लस सब्सक्रिप्शन और इट इज़ अ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, सो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करना चाहते हो, ठीक है, अंडर माई गाइडेंस, ठीक है, कोई भी अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन या फिर अपनी जो प्रिपरेशन है उस प्रिपरेशन को आप अनअकैडमी के साथ करना चाहते हो, अनअकैडमी के टॉप एंड बेस्ट एजुकेटर के साथ करना चाहते हो, राइट. सो उसके लिए आप यूज कर सकते हो दिस रेफरल कोड CHA10. सो दिस इज माई रेफरल कोड CHA10, राइट. सो इफ यू आर गेटिंग, अगर आप CHA10 यूज करते हो, सो डेफिनेटली यू आर गेटिंग द 10% इंस्टेंट डिस्काउंट. 10% का जो इंस्टेंट डिस्काउंट है वो आपको मिलेगा, राइट. सो इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान करते हो फॉर द 12 मंथ, अगर आप 12 मंथ के लिए अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान करते हो,
देन दिस इज द अमाउंट जो आपको पे करना होगा. अगर आप 18 मंथ के लिए, 18 मंथ के लिए अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान करते हैं देन दिस इज द अमाउंट जो आपको पे करना होगा. और अगर आप 24 मंथ के लिए अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान करते हैं देन दिस इज द अमाउंट. ये जो अमाउंट है ये अमाउंट आपको पे करना होगा, राइट. एंड रिमेंबर आपके पास EMI का ऑप्शन भी है. अगर आपके पास डायरेक्ट वन टाइम पेमेंट नहीं हो पा रहा है तो देर इज अ ऑप्शन ऑफ EMI ऑल्सो, राइट. और EMI का ऑप्शन है तो डेफिनेटली आप EMI के ऑप्शन को यूज कर भी सकते हो. और EMI के ऑप्शन पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं पे करना है, राइट. सो ये जो भी आपके पास अमाउंट है दीज आर यूजिंग आफ्टर दिस रेफरल कोड CHA10, राइट. एंड इफ यू आर प्लानिंग फॉर द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान करते हो फॉर द 12 मंथ के लिए अगर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान करते हैं राइट देन दिस इज द अमाउंट. ये अमाउंट जो आपको पे करना होगा, राइट. और अगर आप 24 मंथ के लिए अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान करते हैं देन दिस इज द अमाउंट. ये जो अमाउंट है ये अमाउंट आपको पे करना होगा, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन. आज का जो सेशन है आज के सेशन को स्टार्ट किया जाए. सो जो लास्ट सेशन है, लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या क्या देखा है, ठीक है. जस्ट एक ब्रशअप कर लेते हैं कि जो लास्ट सेशन है, लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देखी है, जल्दी से ब्रशअप कर लेते हैं, राइट. सो लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, राइट, सिस्टम के बारे में. सो जो लास्ट सेशन है, लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कशन किया है टाइप्स ऑफ सिस्टम, राइट. टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, राइट. सो टाइप्स ऑफ सिस्टम में आपके पास ओपन सिस्टम हो गया, क्लोज सिस्टम हो गया, आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम हो गया, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, राइट. नाउ उसके बाद हम लोगों ने जो डिस्कशन किया है ये आपके पास टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में डिस्कशन है. देन उसके बाद हम लोगों ने डिस्कशन किया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, राइट. देन हम लोगों ने डिस्कशन किया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स. सो सबसे पहले हम लोगों ने, ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स. सो सबसे पहले हम लोगों ने जनरल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का, जनरल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, राइट. और जनरल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या था, दैट इज नथिंग बट द, ये हो गया Q12 इज इक्वल टू, दैट इज नथिंग बट द W12 प्लस, ये हो जाएगा तुम्हारे पास, दैट इज नथिंग बट द डेल्टा ई, करेक्ट है. या फिर अगर डेरिवेटिव फॉर्म में लिखना चाहते हो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, दैट इज नथिंग बट द, ये हो जाएगा DQ इज इक्वल टू, दैट इज नथिंग बट द DW प्लस, ये हो जाएगा तुम्हारे पास क्या, दैट इज नथिंग बट द DE. या फिर और कैसा लिख सकते हो, ये लिख सकते हो दैट इज नथिंग बट द Q इज इक्वल टू W प्लस, ये हो जाएगा तुम्हारे पास DE, करेक्ट है. और ये भी चीज़ मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो D है ना, ये जो DE लिखते हो और ये जो आप लिखते हो, दोनों में क्या डिफरेंस है, ऐसा या फिर ऐसा, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है भाई दोनों में. चलो क्या बताया था मैंने कल की क्लास में, कोई बता सकता है, कोई बच्चा बता सकता है कि कल की क्लास में मैंने क्या बताया था, क्या डिफरेंस होता है दोनों में, दोनों में क्या डिफरेंस है कल की क्लास में मैंने बताया है, कोई बच्चा बता सकता है कि क्या डिफरेंस है दोनों में, राइट. तो ये जो डी है ना, ये डी किसको शो करता है, ये शो करता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल को, करेक्ट है. ये किसको शो करता है, ये शो करता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल को, एग्जैक्ट डिफरेंशियल को. और ये किसको शो करता है, ये शो करता है इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल को, इसको शो करता है इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल को, करेक्ट है. ये मैंने बताया था और साथ में ये भी बताया था लास्ट में मैंने कि अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं, राइट, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द हीट ट्रांसफर, अगर मैं हीट ट्रांसफर के बारे में बात करता हूं, हीट ट्रांसफर हो गया, करेक्ट है, हीट ट्रांसफर हो गया, अच्छा वर्क ट्रांसफर हो गया, हीट ट्रांसफर, वर्क ट्रांसफर, राइट. ये दोनों कैसे फंक्शन है, हीट ट्रांसफर, वर्क ट्रांसफर, ये दोनों कैसे फंक्शन है, ये दोनों आपके पास पाथ फंक्शन है, ये दोनों आपके पास क्या, ये दोनों आपके पास पाथ फंक्शन है, पाथ फंक्शन है, राइट. बाउंड्री फिनोमिना है दोनों के, दोनों आपके पास क्या है, बाउंड्री फिनोमिना है. अब क्या मतलब होता है बाउंड्री फिनोमिना का, ये भी मैंने आपको बताया था, दोनों के दोनों क्या है, बाउंड्री फिनोमिना है. क्या मतलब होता है बाउंड्री फिनोमिना का, ये भी हमने डिस्कशन किया था. सो पाथ फंक्शन है, बाउंड्री फिनोमिना है, और साथ में आपके पास क्या, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, करेक्ट है. साथ में आपके पास क्या है, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, राइट. ये हम लोगों ने डिस्कशन किया था, करेक्ट है. और साथ में ये भी देखा था कि भाई हीट ट्रांसफर क्या होता है और वर्क ट्रांसफर क्या होता है, व्हाट इज द हीट ट्रांसफर एंड व्हाट इज द वर्क ट्रांसफर, राइट. सो हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर दोनों ही आपके पास क्या है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द हीट ट्रांसफर, वर्क ट्रांसफर, अगर मैं हीट ट्रांसफर के बारे में बात करता हूँ, वर्क ट्रांसफर के बारे में बात करता हूँ, तो दोनों आपके पास क्या है, दोनों ही आपके पास एनर्जी ट्रांसफर है, राइट. दोनों ही आपके पास क्या है, दोनों ही आपके पास एनर्जी ट्रांसफर है, दोनों ही आपके पास एनर्जी का ट्रांसफर है, एनर्जी ट्रांसफर है, एनर्जी ट्रांसफर किसके किसके बीच में, एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, और यू कैन से दैट एनर्जी इंटरैक्शन,
या फिर आप और क्या बोल सकते हैं, दिस इज नथिंग बट द एनर्जी इंटरैक्शन, एनर्जी इंटरैक्शन, यही हम लोगों ने देखा था, एनर्जी ट्रांसफर या फिर एनर्जी इंटरैक्शन, राइट। एंड बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस एनर्जी ट्रांसफर इज कॉल्ड हीट ट्रांसफर, इज कॉल्ड हीट ट्रांसफर, करेक्ट है। चलो ये हम लोगों ने देखा था। एंड अपार्ट फ्रॉम हीट ट्रांसफर एनी काइंड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इज कॉल्ड द वर्क ट्रांसफर, राइट। सो यहां तक हम लोगों ने देख लिया था, करेक्ट है, सारा चीज क्लियर है, राइट। अच्छा, इसके अलावा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर, चलो किस सिस्टम के लिए देखा था, क्लोज्ड सिस्टम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर द क्लोज्ड सिस्टम के लिए। तो क्लोज्ड सिस्टम के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या आया था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मैं बात करूं क्लोज्ड सिस्टम के लिए, राइट, क्लोज्ड सिस्टम के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या आया था, यहां पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं ना, और ये क्या आया था, दैट इज नथिंग बट द Q12 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा W12 प्लस, ये हो जाएगा तुम्हारे पास दैट इज नथिंग बट द U2 माइनस, ये हो गया U1, करेक्ट है। डेरिवेटिव फॉर्म में लिखना है तो डेरिवेटिव फॉर्म में भी लिख सकते हो, ये हो जाएगा तुम्हारे पास क्या, ये हो जाएगा DQ इज इक्वल टू, ये हो जाएगा DW प्लस, ये हो जाएगा तुम्हारे पास DU, और क्या लिख सकते हो, ये हो जाएगा तुम्हारे पास Q इज इक्वल टू, ये हो जाएगा DW प्लस, ये तुम्हारे पास क्या गया, दैट इज नथिंग बट द DU, करेक्ट है। और U मेरे पास क्या है भाई, U मेरे पास क्या है दैट इज नथिंग बट द इंटरनल एनर्जी, करेक्ट है। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी क्या होता है, व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी, एनीवन टेल मी व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी, क्या पढ़ाया था मैंने, क्या बताया आपको इंटरनल एनर्जी क्या है, एनीवन टेल मी व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी, क्या पढ़ाया मैंने, व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी, दैट इंटरनल एनर्जी इज नथिंग बट द सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ माइक्रोस्कोपिक लेवल एनर्जी, माइक्रोस्कोपिक लेवल एनर्जी, राइट। और ये जो माइक्रोस्कोपिक लेवल की एनर्जीज में आपके पास क्या क्या जाता था, आपके पास वाइब्रेशनल एनर्जी हो गई, ठीक है, आपके पास केमिकल एनर्जी हो गई, न्यूक्लियर एनर्जी हो गई, रोटेशनल एनर्जी हो गई, माइक्रो लेवल पे काइनेटिक एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ये सब आपके पास क्या है, ये सब आपके पास, ठीक है, माइक्रो लेवल की एनर्जीज है। और इन्हीं माइक्रो लेवल एनर्जीज का जो समेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, राइट। सो दिस इज द इंटरनल एनर्जी, क्लियर है पॉइंट, यहां तक हम लोगों ने देख लिया था। अच्छा, इसके अलावा साइन कन्वेंशन के बारे में भी आई थिंक हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था, राइट। साइन कन्वेंशन, हीट ट्रांसफर का साइन कन्वेंशन क्या होता है, वर्क ट्रांसफर का साइन कन्वेंशन क्या होता है, और क्या आपको यूज करना है, राइट। हीट ट्रांसफर का साइन कन्वेंशन क्या है, वर्क ट्रांसफर का साइन कन्वेंशन क्या था, राइट। तो यहां से अगर आप देखोगे, इफ सपोज दिस इज द सिस्टम, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास सिस्टम है, और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास सराउंडिंग है, हियर ऑल्सो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास सिस्टम है, और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास सराउंडिंग है, करेक्ट है। सो क्या हो रहा है, देखो सराउंडिंग से सिस्टम में आया, सिस्टम से सराउंडिंग में गया, राइट, हीट ट्रांसफर की बात हो रही है। तो हीट ट्रांसफर अगर सराउंडिंग से सिस्टम में आ रहा है तो पॉजिटिव, और हीट ट्रांसफर अगर सिस्टम से सराउंडिंग में जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा निगेटिव, यही हम लोगों देखा था। और अगर सराउंडिंग से सिस्टम में वर्क ट्रांसफर हो रहा है तो ये जो वर्क ट्रांसफर होगा ये क्या हो जाएगा, दैट इज निगेटिव वर्क ट्रांसफर के लिए। और ये अगर आपके पास सिस्टम से सराउंडिंग में मिल रहा है तो ये जो वर्क ट्रांसफर होगा ये वर्क ट्रांसफर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, राइट। ये चीज हम लोगों ने डिस्कशन किया था, ठीक है, ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर है, ठीक है, ये हम लोगों ने डिस्कशन किया था। सो अगर सराउंडिंग से अगर सिस्टम में वर्क हो रहा है
तो उसको हम लोग क्या लेके चले थे, उसको हम लोग लेके चले गए दिस W12 इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा W12 इज इक्वल टू निगेटिव, ये निगेटिव है राइट, और सिस्टम से सराउंडिंग में मिल रहा है तब आपके पास क्या होगा, तब आपके पास होगा पॉजिटिव, ठीक है। तो ये सारा चीज हम लोगों ने डिस्कशन किया राइट। चलिए नाउ नेक्स्ट, आज जो का जो सेशन है इसमें वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स फॉर द ओपन सिस्टम राइट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स फॉर ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम या फिर इसी और क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द फ्लो सिस्टम, ओपन सिस्टम या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं फ्लो सिस्टम, ओपन सिस्टम या फिर फ्लो सिस्टम। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स फॉर द ओपन सिस्टम या फिर फ्लो सिस्टम राइट, ये देखना है राइट। सो इसके लिए यहां पे अगर मैं बात करूं किसकी राइट, यहां पे अगर हम बात करते हैं ठीक है ओपन सिस्टम, सो फर्स्ट ड्रॉ द ओपन सिस्टम, यहां पे एक सिस्टम ड्रॉ करते हैं और वो जो सिस्टम है ना वो सिस्टम आपके पास कैसा सिस्टम है, ओपन सिस्टम राइट। सो देखो यहां पे ये आपके पास, मैं यहां पे एक सिस्टम ड्रॉ कर रहा हूं, सी हियर आई एम ड्रॉइंग अ सिस्टम, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक सिस्टम हो गया राइट, और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास डेटम है, दिस इज नथिंग बट द डेटम, इसको मैं क्या एज्यूम करके चल रहा हूं भाई कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है डेटम, ये हो गया डेटम ठीक है, डेटम या इसी को हम क्या बोलते हैं रेफरेंस, डेटम हो गया या फिर रेफरेंस हो गया ठीक है। और ये जो आप सिस्टम देख रहे हो ना, ये सिस्टम आपके पास ओपन सिस्टम है, तो ओपन सिस्टम है तो डेफिनेटली आपके पास मास इन होने वाला है और मास जो है वो आउट होने वाला है, करेक्ट है। सो यहां से अगर हम देखेंगे, चलो यहां से आपके पास मास जो है वो इन हो रहा है और यहां से जो मास है वो आउट हो रहा है इस तरीके से राइट। और जो आपके पास इनलेट है ना, इनलेट सिंगल, इनलेट सिंगल आउटलेट, अभी यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं सिंगल इनलेट सिंगल आउटलेट राइट, तो ये हो जाएगा, इसको मैं शो कर रहा हूं वन से और इसको मैं शो कर रहा हूं टू से राइट, इनलेट को मैं शो कर रहा हूं वन से, एग्जिट को मैं शो कर रहा हूं टू से राइट। सो यहां पे जो आपके पास मास फ्लो रेट है, मास फ्लो रेट है उसको मैं बोल सकता हूं ये मेरे पास एम डॉट वन है, यहां पे जो मास फ्लो रेट है उसको मैं बोल सकता हूं ये मेरे पास एम डॉट टू है, करेक्ट है। और रेफरेंस से जो एलिवेशन है, रेफरेंस से जो एलिवेशन है, इस एलिवेशन की अगर मैं बात करूं तो ये जो एलिवेशन है, ये एलिवेशन क्या हो गया जेड वन बोल देता हूं, और यहां पे अगर देखोगे रेफरेंस से मतलब डेटम से जो एलिवेशन है, इस एलिवेशन को मैं क्या बोल देता हूं, इस एलिवेशन को मैं बोल देता हूं दैट इज नथिंग बट द जेड टू, ये जेड टू हो गया ठीक है भाई। और यहां पे अगर देखोगे जैसे आपने पहले आपने देखा था, तो दिस इज योर सिस्टम राइट, या फिर इसी को हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज नथिंग बट द कंट्रोल वॉल्यूम, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास कंट्रोल वॉल्यूम है, मतलब सिस्टम ही समझिए इसको राइट। और बाहर आपके पास क्या है, बाहर आपके पास है सराउंडिंग, बाहर आपके पास क्या है, बाहर आपके पास सराउंडिंग राइट। सो सराउंडिंग से ठीक है सिस्टम में ये हो गया आपके पास जैसा आपने पहले देखा था, तो ये हो गया Q12, और आपके पास ये जो कंट्रोल वॉल्यूम है मतलब सिस्टम से सराउंडिंग में जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, ये आपके पास W12 राइट। सो वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग और हीट ट्रांसफर जो है फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टम, जैसा आप लोगों ने क्लोज सिस्टम में भी देखा था राइट, बिल्कुल ऐसा ही चीज आप लोगों ने क्लोज सिस्टम में भी देखा था, सेम चीज आपने क्लोज सिस्टम में भी देखा था ठीक है। चलो अब यहां पे अगर मैं बात करूं, ये आपके पास इनलेट है वन, ये आपके पास एग्जिट है टू। नाउ इनलेट पे अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं इनलेट की यहां पे बात करूं, इनलेट पे जो इंटरनल एनर्जी है, इस इंटरनल एनर्जी को मैं बोल देता हूं ये यू वन है, या फिर एक काम करते हैं सबसे पहले अगर इनलेट पे अगर मैं बात करूं, इनलेट पे जो वेलोसिटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो वेलोसिटी सी वन है, एग्जिट पे जो वेलोसिटी वो मेरे पास क्या है दैट इज सी टू, करेक्ट है। और इनलेट पे अगर मैं एंथैल्पी की बात करता हूं तो ये एंथैल्पी मेरे पास H1 है और यहां पे जो एंथैल्पी है वो H2 है राइट। नाउ व्हाट इज द एंथैल्पी, देखो क्या होता है एंथैल्पी, तो एंथैल्पी एक तरीके की एनर्जी ही है राइट, एंथैल्पी जो है वो एंथैल्पी एक तरीके का एनर्जी है ठीक है। एंड दिस इज नथिंग बट द समेशन ऑफ, ये एंथैल्पी की अगर बात करूं तो एंथैल्पी मेरे पास क्या है, दिस इज नथिंग बट द समेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो एनर्जी राइट। अगर मैं एंथैल्पी की बात करता हूं तो एंथैल्पी किसका किसका समेशन है, इंटरनल एनर्जी का और फ्लो एनर्जी का। देखो यहां पे अगर सीधी सी बात है, अगर कोई एक मॉलिक्यूल होगा यहां पे, किसी भी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का कोई मॉलिक्यूल होगा और पीछे आपके पास ये मॉलिक्यूल होगा, तो ये जो मॉलिक्यूल है इस मॉलिक्यूल पे राइट, ये जो मॉलिक्यूल होगा, ये मॉलिक्यूल जो होगा इस मॉलिक्यूल पे ठीक है, कुछ ना कुछ वर्क करेगा तभी आपके पास इस कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर आएगा, समझना ध्यान से। ये जो मॉलिक्यूल होगा ये इस मॉलिक्यूल के ऊपर कुछ ना कुछ वर्क करेगा तभी ये कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर आएगा, तो वो जो वर्क कर रहा है वही आपके पास क्या है, दैट इज नथिंग बट द फ्लो वर्क, या उसी को हम क्या बोलते हैं दैट इज फ्लो एनर्जी राइट। सो ये जो आप देख रहे हो ना, दिस इज नथिंग बट द फ्लो वर्क, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लो वर्क, या फिर इसी को हम लोग बोल देते हैं दैट इज कॉल्ड द फ्लो एनर्जी,
फ्लो वर्क या फिर इसी को हम बोल देते हैं फ्लो एनर्जी, करेक्ट है? व्हाट इज द फ्लो वर्क या फ्लो एनर्जी क्या होता है? सो फ्लो वर्क या फ्लो एनर्जी क्या है, ठीक है, ये वाले मॉलिक्यूल पे, ये वाले मॉलिक्यूल पे जो पीछे वाला जो मॉलिक्यूल है कंट्रोल वॉल्यूम में ले जाने के लिए जो वर्क करेगा वही आपके पास फ्लो वर्क है या फिर फ्लो एनर्जी है, राइट? तो अभी देखना, अभी आप इसको अलग अलग क्यों लिखोगे, राइट? यहां पे अगर मैं बात करूं, ठीक है, इनलेट पे अगर देखोगे इंटरनल एनर्जी मेरे पास यू है और मेरे पास जो फ्लो वर्क है वो मेरे पास सपोज पी वन वी वन है, इंटरनल एनर्जी मेरे पास यू वन है, राइट? तो यार ऐसा है कि बार बार देखो, हर बार आपके पास जब भी हम ओपन सिस्टम की बात करेंगे ना, जब भी हम फ्लो सिस्टम की बात करेंगे तो आपके पास इंटरनल एनर्जी भी आएगा साथ में और आपके पास फ्लो एनर्जी भी आएगा, आपके पास इंटरनल एनर्जी भी आएगा और आपके पास फ्लो एनर्जी भी आएगा। तो दोनों को अलग अलग क्यों लिखना, तो एक साथ लिख लेते हैं ना। तो एक साथ जब हम लिखते हैं तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं एंथैल्पी। तो एंथैल्पी को डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एंथैल्पी इज नथिंग बट द काइंड ऑफ एनर्जी ओनली। एंथैल्पी आपके पास एनर्जी ही है, ठीक है, कोई और अलग चीज नहीं है एंथैल्पी। एंथैल्पी आपके पास एनर्जी ही है जो आपके पास इंटरनल एनर्जी और फ्लो एनर्जी का क्या है, समेशन है, राइट? अगेन आई एम सेइंग एंथैल्पी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्यों आता है, एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट इसलिए आता है क्योंकि जब भी आप ओपन सिस्टम में प्रॉब्लम को डील करोगे ना तो बार बार आपको क्या मिलने वाला है, यू प्लस पी वी, यू प्लस पी वी, यू प्लस पी वी। तो बार बार यू प्लस पी वी लिखने से अच्छा ये है कि भाई एक काम करता हूँ, इस यू प्लस पी वी को मैं रिप्लेस कर देता हूँ एक सिंगल पैरामीटर से, एंड वॉट इज दैट सिंगल पैरामीटर, दैट सिंगल पैरामीटर इज नथिंग बट द एंथैल्पी। वो जो सिंगल पैरामीटर है वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास है एंथैल्पी, करेक्ट है पॉइंट? तो एंथैल्पी इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, क्लियर? सो अभी ये समझ में आ गया, इनलेट पे एंथैल्पी, इनलेट पे जो एंथैल्पी होगी उसको मैंने बोल दिया एच वन है, और एग्जिट पे जो एंथैल्पी होगी वो मेरे पास क्या हो गया, लेट अस अज्यूम दैट इज एच टू, ठीक है। चलो अब यहां पे अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट? तो देखो जब भी, अच्छा उसके पहले आप समझ लीजिए, जब भी हम ओपन सिस्टम के प्रॉब्लम को डील करते हैं, राइट, जब भी हम ओपन सिस्टम के प्रॉब्लम को डील करते हैं तो ओपन सिस्टम के प्रॉब्लम को डील करने के लिए हमको सिर्फ दो चीजों की जरूरत होती है। जब भी हम ओपन सिस्टम के प्रॉब्लम को डील करेंगे ना, तो जब भी हम ओपन सिस्टम के प्रॉब्लम को डील करते हैं तो हमें सिर्फ दो चीजों की जरूरत पड़ती है। जो फर्स्ट है दैट इज नथिंग बट द कंजर्वेशन ऑफ मास, फर्स्ट जो है दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, या इसी को हम क्या बोलते हैं, या इसी को हम बोलते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है, कंटिन्यूटी इक्वेशन। क्योंकि जब भी हम ओपन सिस्टम की बात करें तो ओपन सिस्टम में मास इन मास आउट दिख रहा है, तो डेफिनेटली कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो पिक्चर में आएगा। तो जब भी हम ओपन सिस्टम के प्रॉब्लम को डील करते हैं तो ओपन सिस्टम के प्रॉब्लम को आप डील करते हो तो आपके पास पिक्चर में क्या आता है, कंजर्वेशन ऑफ मास, या इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन, राइट? नाउ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलने का मतलब क्या है, देखो ये आपके पास क्या होगा, अगर ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास सिस्टम है, तो यहां से आपके पास मान लीजिए 10 यूनिट मास इन हो रहा है, यहां से आपके पास 8 यूनिट मास आउट हो गया, तो रिमेनिंग 2 यूनिट मास कहां गया, अंदर में रह गया। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, अगर आपको टोटल फॉर्म में लिखना है, अगर मुझे टोटल फॉर्म में लिखना होगा तो टोटल फॉर्म में कैसे लिखूंगा, 10 इज इक्वल टू 8 प्लस 2 ना, 10 इज इक्वल टू 8 प्लस 2, यही होगा। सो टोटल फॉर्म में अगर लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, मास इन, राइट, मास इन इज इक्वल टू मास आउट प्लस चेंज ऑफ मास, प्लस चेंज ऑफ मास, ये लिख सकते हो, राइट? या फिर लिख सकते हो एम वन इज इक्वल टू, ये हो गया एम टू प्लस ये हो गया आपके पास दैट इज अ डेल्टा है, राइट? ये हो गया टोटल फॉर्म में। अच्छा अगर रेट के फॉर्म में लिखना होगा, रेट फॉर्म में, तो रेट फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, अगर मुझे रेट फॉर्म में लिखना होगा तो रेट के फॉर्म में मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो दिस इज नथिंग बट द रेट ऑफ मास इन इज इक्वल टू रेट ऑफ मास आउट, ठीक है, जब भी ऊपर, ठीक है, जब भी ऊपर आपके पास यहां पे पॉइंट लगा देते हो तो ये आपके पास बताता है रेट, ठीक। सो रेट ऑफ मास इन इज इक्वल टू रेट ऑफ मास आउट प्लस चेंज ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन कंट्रोल वॉल्यूम, ये हो गया, करेक्ट है पॉइंट? चेंज ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन अ कंट्रोल वॉल्यूम। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास टोटल फॉर्म है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास टोटल फॉर्म है, और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास रेट वाला फॉर्म है, समझना ध्यान से, ये मेरे पास रेट वाला फॉर्म है और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है टोटल वाला फॉर्म, राइट? सो रेट फॉर्म में क्या आ जाएगा, रेट ऑफ मास इन इज इक्वल टू रेट ऑफ मास आउट प्लस चेंज ऑफ, आई थिंक नाउ इट इज फाइन, नाउ इट इज फाइन, आवाज आ रही है क्या, जल्दी से मुझे बता देना सो दैट वी विल स्टार्ट। नाउ इट इज फाइन,
गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही है क्या? जल्दी से बता देता मुझे। नाउ इट इज फाइन। यस ओके 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 ठीक है। सो ठीक है, बात हो रही थी, जस्ट वन मिनट। हाँ यहाँ पे बात हो रही थी, राइट। सो मैंने बताया कि भाई अगर आपके पास ओपन सिस्टम के प्रॉब्लम को कभी भी आपको डील करना है तो सिर्फ आपको दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है। एक तो आपके पास है कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा आपके पास क्या है, दूसरा आपके पास एनर्जी इक्वेशन, राइट। चलो ये आपके पास जनरल जनरल फॉर्म हो गया। ये आप अगर आप देखोगे तो ये आपके पास जनरल फॉर्म है, ठीक है। ये आपके पास टोटल फॉर्म में आ गया, ये रेट फॉर्म में आ गया। वैसे ही अगर मैं एनर्जी इक्वेशन की बात करूं तो एनर्जी इक्वेशन ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास टोटल फॉर्म में है, और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास रेट के फॉर्म पे है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे अगर देखोगे, जब भी हम ओपन सिस्टम की बात करते हैं तो ओपन सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड द फ्लो सिस्टम, राइट। और आपके पास क्या हो रहा है, उस सिस्टम में फ्लो हो रहा है। तो अब आपके पास जो फ्लो है, फ्लो आपके पास दो मैनर में हो सकता है, फ्लो जो है वो दो मैनर में हो सकता है। या तो जो फ्लो है वो आपके पास स्टडी फ्लो हो सकता है, या तो जो फ्लो है वो आपके पास स्टडी फ्लो हो सकता है, या तो जो फ्लो है वो आपके पास अनस्टडी फ्लो हो सकता है, करेक्ट है। या तो जो फ्लो है वो आपके पास स्टडी फ्लो हो सकता है, या तो अनस्टडी फ्लो हो सकता है। और स्टडी फ्लो का मतलब क्या होता है, अगर हम स्टडी फ्लो की बात करें तो किसी भी पैरामीटर को अगर हम देखें तो चेंज ऑफ पैरामीटर विथ रिस्पेक्ट टू, राइट। अगर हम स्टडी फ्लो की बात करें तो स्टडी फ्लो के केस में क्या होगा, स्टडी के फ्लो के केस में अगर आप मास को देख रहे हो तो चेंज ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज जीरो, राइट। वैसे ही अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी का जो चेंज होगा वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, टाइम के रिस्पेक्ट में जीरो, राइट। यही तो मतलब होता है स्टडी फ्लो का। सो अगर हम स्टडी फ्लो की बात करें तो स्टडी फ्लो के केस में जो चेंज ऑफ मास है विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा, दैट इज जीरो, और चेंज ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा, दैट इज जीरो, राइट। सो अगर स्टडी फ्लो है, ओपन सिस्टम है, राइट। अभी देखो, अगर ओपन सिस्टम है, ओपन सिस्टम है, और ओपन सिस्टम में आपके पास जो फ्लो है वो फ्लो कैसा फ्लो है, फ्लो जो है आपके पास स्टडी फ्लो है। ओपन सिस्टम है और ओपन सिस्टम में जो फ्लो है वो फ्लो कैसा है, फ्लो आपके पास स्टडी फ्लो है, राइट। राइट, ऐसी सिचुएशन में अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट इक्वेशन विच इज नथिंग बट द कंजर्वेशन ऑफ मास, फर्स्ट इक्वेशन जो है दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ मास, तो क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट कंजर्वेशन ऑफ मास दैट इज नथिंग बट द, ये हो जाएगा रेट ऑफ मास इन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट ऑफ मास आउट, रेट ऑफ मास इन इज इक्वल टू रेट ऑफ मास आउट, राइट। और जो रेट ऑफ मास इन हो रहा है, जो रेट ऑफ मास जो इन हो रहा है उसको तुम क्या बोल सकते हो, जो रेट ऑफ मास इन हो रहा है उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, उसको मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा दिस इज द एम डॉट वन, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट द एम डॉट टू, करेक्ट है। अब देखो, अब यहाँ से ये बताओ सबसे पहले, ठीक है, जब डेंसिटी तुम लिखते हो तो क्या लिखते हो, दैट इज नथिंग बट द मास पर यूनिट वॉल्यूम लिखते हो ना, जब डेंसिटी लिखते हो तो क्या लिखते हो, मास पर यूनिट वॉल्यूम लिखते हो, राइट। सो अब यहां से अगर आप देखोगे डेंसिटी इज इक्वल टू, राइट, देखो मास पर यूनिट टाइम कोई फर्क पड़ेगा क्या, मास पर यूनिट टाइम, और ये हो जाएगा वॉल्यूम फ्लो रेट, और वॉल्यूम पर यूनिट टाइम विच इज नथिंग बट द वॉल्यूम फ्लो रेट, राइट। सो अल्टीमेटली यहां से क्या आ जाएगा, दैट रो इज इक्वल टू दैट इज नथिंग बट द एम डॉट मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम फ्लो रेट, ये वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, ये बन जाएगा वॉल्यूम फ्लो रेट, एंड दैट वॉल्यूम फ्लो रेट इज नथिंग बट द क्यू। सो अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा, दैट एम डॉट इज इक्वल टू दैट इज नथिंग बट द रो मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, क्यू, करेक्ट है। और एम डॉट इज इक्वल टू तुम क्या लिख सकते हो, दैट इज रो मल्टीप्लाइड बाई क्यू को क्या लिख सकते हो, दैट इज नथिंग बट द एरिया मल्टीप्लाइड बाई द वेलोसिटी, और वेलोसिटी को मैं किससे डिनोट कर रहा हूं, यहां पे c से, राइट। तो m.1 is equal to m.2 है, तो अल्टीमेटली वी कैन राइट इन दिस वे, दैट इज नथिंग बट द रो 1 a1 c1 is equal to दैट इज नथिंग बट द रो 2 a2, और ये हो गया c2, राइट। तो अगर जब भी हमको क्या कर रहे हैं, जब भी हमको राइट स्टडी फ्लो मतलब ओपन सिस्टम के प्रॉब्लम को डील करना है, और ओपन सिस्टम के प्रॉब्लम में अगर फ्लो जो है ऑब्वियसली स्टडी फ्लो है, राइट, तो उस केस में आपके पास दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ मास, ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास कंजर्वेशन ऑफ मास, द रेट ऑफ मास इन इज इक्वल टू रेट ऑफ मास आउट, या फिर लिख सकते हो रो वन ए वन सी वन इज इक्वल टू रो टू ए टू सी टू, ये हो गया, ठीक है। व्हाट इज द रो वन, अच्छा इसको एक तरीके से और लिख सकते हो, राइट, एक और तरीके से लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे देखो आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। अभी आपने लिखा क्या, अभी आपने लिखा दैट एम डॉट वन इज इक्वल टू, आपने लिखा एम डॉट टू, ये लिखा भाई, राइट। और ये क्या लिखा आपने, दैट इज नथिंग बट द, ये हो जाएगा रो वन ए वन सी वन इज इक्वल टू, आपने लिखा रो टू, ये हो गया ए टू, और ये हो गया सी टू, ठीक है, ये आपने लिखा। अब यहां से ये बताओ कि डेंसिटी और स्पेसिफिक वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द डेंसिटी एंड द स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो हम लिखते हैं दैट ये आपके पास जो स्मॉल वी है, दिस इज नथिंग बट द स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास स्पेसिफिक वॉल्यूम है,
और स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, 1/डेंसिटी, मतलब रेसिप्रोकल होता है किसका, डेंसिटी का, राइट। तो इसको अगर लिखना है तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये हो गया A1C1 और ये हो गया V1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा A2 और ये हो गया दैट इज C2 डिवाइडेड बाई दैट इज V2, करेक्ट है। तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वो मेरे पास क्या है, दैट इज नथिंग बट द स्मॉल वी, और स्मॉल वी इज इक्वल टू 1/डेंसिटी। आप यहां से भी इस तरीके से लिख सकते हो, राइट। अब देखो एक चीज और समझना, कई बार बच्चे लोग क्या करते हैं, आप लोग ये गलती कर देते हो, आप डायरेक्टली अगर आपको कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई करना होता है तो डायरेक्टली यू कैन राइट दैट A1C1 इज इक्वल टू A2C2, राइट। आप ऐसा लिख देते हो, A1C1 इज इक्वल टू A2C2, आप ऐसा लिख देते हो, A1C1 इज इक्वल टू A2C2, राइट, विच इज, ये करेक्ट है, बट दिस इज ओनली फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो, राइट। ये आपके पास किसके लिए, ये आपके पास इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए, इनकम्प्रेसिबल फ्लो या फिर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। जब फ्लूइड मैकेनिक्स आप पढ़ते हो ना, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में आपके पास जो हम फ्लूइड यूज करते हैं वो जनरली आपके पास लिक्विड होता है, राइट। इन जनरल आपके पास लिक्विड होता है, तो लिक्विड होता है, राइट। लिक्विड के केस में आपके पास क्या होता है, लिक्विड के केस में जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी में जो वेरिएशन होता है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है, इसलिए हम ये बोल देते हैं कि रो वन इज इक्वल टू रो टू इज इक्वल टू, ये आपके पास हो गया रो। लेकिन अगर हम थर्मोडाइनमिक्स पढ़ते हैं, राइट, थर्मोडाइनमिक्स पढ़ रहे हैं या फिर इवन एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जब हम पढ़ रहे हैं, राइट, तो वहां पे जो हमारे पास सब्सटेंस है वो सब्सटेंस कैसा होता है, वो सब्सटेंस हमारे पास कंप्रेसिबल होता है, वो सब्सटेंस हमारे पास कैसा होता है, कंप्रेसिबल होता है। और वहां पे आपके पास क्या यूज करना है, रो वन ए वन सी वन इज इक्वल टू रो टू ए टू, ये हो गया सी टू, करेक्ट है। या फिर आपके पास ए वन सी वन और ये हो गया स्पेसिफिक वॉल्यूम वी वन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ए टू, ये हो गया सी टू और ये हो जाएगा दैट इज नथिंग बट द वी टू, राइट। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग इन योर माइंड, राइट। चलिए नाउ नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ किसके बारे में, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। फ्लो आपके पास कैसा है, फ्लो आपके पास है स्टडी फ्लो, फ्लो आपके पास कैसा है स्टडी फ्लो, और इक्वेशन किसकी बात कर रहे हैं, एनर्जी इक्वेशन की, राइट। बात किसकी हो रही है, बात हो रही है एनर्जी इक्वेशन की, करेक्ट है, ये हो गया, राइट। चलो तो अब यहाँ पे अगर देखोगे, अगर मैं टोटल फॉर्म में अगर मैं बोलता हूँ, पहले मैं टोटल फॉर्म में लिख देता हूँ, टोटल फॉर्म क्या हो जाएगा, टोटल फॉर्म में भाई यहाँ से अगर टोटल फॉर्म में अगर देखोगे तो टोटल फॉर्म में क्या आ जाएगा, सी ईयर, दिस इज सिंपल, ये हो जाएगा टोटल फॉर्म में, ये हो गया एम एच वन प्लस सी वन स्क्वायर बाई, ये हो जाएगा 2000 प्लस, ये हो गया डायरेक्टली लिख रहा हूँ ना, ये हो गया जी जेड वन, ये हो गया तुम्हारे पास 1000 प्लस, ये हो जाएगा तुम्हारे पास Q12 इज इक्वल टू, बेसिकली है क्या ये, एनर्जी इन इज इक्वल टू एनर्जी आउट ही लिख रहे हो, एनर्जी इन इज इक्वल टू एनर्जी आउट ही है ये, राइट, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा तुम्हारे पास एम, ये हो गया एच टू प्लस, ये हो जाएगा तुम्हारे पास सी टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 2000 प्लस, ये हो जाएगा तुम्हारे पास जी जेड टू, ये हो जाएगा 1000 प्लस, ये हो जाएगा तुम्हारे पास W12, करेक्ट है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये आपके पास टोटल फॉर्म में है, ये आपके पास किस में, ये आपके पास टोटल फॉर्म में है। और देखो जो एनर्जी इन हो रहा है वो एनर्जी कौन कौन सी एनर्जी इन हो रही है, यहाँ पे अगर आप देखोगे एनर्जी इन हो रही है वो कौन कौन सी एनर्जी इन हो रही है, तो भाई एंथैल्पी के फॉर्म में एनर्जी है, राइट। एंथैल्पी मैंने बताया, ऑलरेडी बताया ना, एंथैल्पी इज नथिंग बट द एनर्जी ओनली, राइट। सो एंथैल्पी के फॉर्म में है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, बाहर सराउंडिंग से सिस्टम में हीट एनर्जी अंदर आ रहा है, तो अंदर आने वाली कौन कौन सी एनर्जी है, तो ये आप देख रहे हो ना, दिस इज द टोटल एनर्जी जो कि आपके पास अंदर आ रहा है, राइट। और ये जो आप देख रहे हो, दिस इज द टोटल एनर्जी जो आपके पास क्या हो रहा है, जो आपके पास बाहर जा रहा है, दिस इज द टोटल एनर्जी जो अंदर आ रहा है, एंड दिस इज द टोटल एनर्जी जो आपके पास क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, राइट। और बात हो रही है यहाँ पे स्टडी फ्लो की, और स्टडी फ्लो के केस में सीधी सी बात है दैट एनर्जी इन इज इक्वल टू एनर्जी आउट, राइट। ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है डीई बाई डी टी क्या हो जाएगा, दैट इज जीरो। सो जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं स्टडी फ्लो के केस में, तो स्टडी फ्लो के केस में जो एनर्जी इन है वो एनर्जी आउट के बराबर होगा, या फिर अगर मैं बोल सकता हूँ ये जो ई वन होगा वो किसके बराबर होगा, ई टू के बराबर होगा, राइट। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज समझना, ये जो एंथैल्पी है, ये जो स्मॉल एच है, ये स्मॉल एच है, दिस इज नथिंग बट द स्पेसिफिक एंथैल्पी, है ना। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है स्पेसिफिक एंथैल्पी, राइट। सबसे ज्यादा गलती यहाँ पे यूनिट में होती है, तो ध्यान से समझना, ये स्पेसिफिक एंथैल्पी है, और स्पेसिफिक एंथैल्पी की जो यूनिट है वो आपके पास क्या है, किलो जूल पर के जी में, ये आपके पास किस में, ये आपके पास है किलो जूल पर के जी में, राइट। और ये जो एम है वो एम क्या है, दैट एम इज नथिंग बट द मास, ये आपके पास क्या है, मास है, और ये जो मास है, ये मास किस में होगा, ये मास जो है वो केजी में है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास केजी में है, राइट। क्योंकि देखो यहाँ से ये मास को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कि एम इंटू एच वन आ जाएगा, और वो किसके बराबर होगा, वो आपके पास टोटल एंथैल्पी के बराबर होगा, मतलब कैपिटल एच वन के, कैपिटल एच के बराबर होगा, राइट। जो कैपिटल एच होगा ना, द कैपिटल एच इज नथिंग बट द एम इंटू स्मॉल एच, और ये जो स्मॉल एच है, दिस इज द स्पेसिफिक एंड दिस इज द टोटल,
गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे ये जो एच देख रहे हो ना, दैट इज अ स्पेसिफिक एंथैल्पी, और वो किसमें होगा? किलो जूल पर के जी में, राइट? तो यहां से अगर एम इंटू एच देखोगे तो ये किसमें आ जाएगा? किलो जूल में आ जाएगा, राइट? नाउ यहां से सी वन को किसमें रख रहा है? सी वन क्या है आपके पास? वेलोसिटी, राइट? मैं सी वन नहीं बोलता, मैं सिर्फ सी बोल रहा हूँ। ये आपके पास क्या है? वेलोसिटी। ये है आपके पास वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी को आप किस में रखोगे? मीटर पर सेकंड में। जब यहाँ पे इस वेलोसिटी को तुम मीटर पर सेकंड में रखोगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1000 ऑलरेडी करके रखा हुआ है, सो दैट कि आपके पास, देखो जब आप लिखते हो ना हाफ एम, ये हो गया सी स्क्वायर। जब आप ऐसा लिखते हो हाफ एम सी स्क्वायर, तब ये किस में आता है? तब ये जूल में आता है, करेक्ट है? क्योंकि मास को तुम किस में रखोगे? केजी में। सी को किस में रखोगे? मीटर पर सेकंड में। तब ये तुम्हारे पास किस में आएगा? जूल में आएगा। अब मैं इसको क्या करना है, मुझे इसको किलो में चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी किलो में है, मुझे इसको भी किलो में चाहिए। तो किलो में चाहिए होगा तो क्या करना पड़ेगा? ये जूल में है, क्या करना पड़ेगा? ठीक है, 1/1000, तो ये हो जाएगा 1/2000, और ये हो गया एम सी स्क्वायर, और ये किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा किलो जूल में। दैट्स वाई यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2000 किया है। सेम चीज किसके साथ है? पोटेंशियल एनर्जी के साथ भी है, राइट? सेम चीज आपके पास क्या है? सेम चीज आपके पास पोटेंशियल एनर्जी के साथ भी है। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखते हो? दैट इज नथिंग बट द एम जी जेड। जब ये लिखते हो तब ये किस में होगा? तब ये जूल में होगा, ठीक है? इसको मैं साइड कर देता हूं थोड़ा ऐसा। देखो जब एम जी जेड लिखते हो तब ये किस में होता है? तब ये होता है तुम्हारे पास जूल में, राइट? और अगर मैं इसको किस में चाहिए? किलो जूल में चाहिए। तो किलो जूल में चाहिए होगा तो क्या करना पड़ेगा? एम जी जेड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? ये हो गया 1000, और ये मेरे पास किस में आ जाएगा? ये मेरे पास आ जाएगा किलो जूल में, करेक्ट है? सो डिवाइडेड बाय जो यहाँ पे 1000 हुआ है, इसका पर्पस क्या है, इस चीज को समझिए, ठीक है? यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, ठीक है, जस्ट वन मिनट, हाँ ये हो गया। अगर आप यहाँ पे ये देख रहे हो, जैसे यहाँ पे आप डिवाइडेड बाई 2000 हुआ है, यहाँ पे डिवाइडेड बाई 1000 हुआ है, तो इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि आप जूल को किलो जूल में कन्वर्ट कर पाओ, जूल को आप किलो जूल में कन्वर्ट कर पाओ। दिस इज द पर्पस, ये पर्पस है आपके पास, क्लियर है पॉइंट? तो एच किस में है भाई? एच है आपके पास स्पेसिफिक एंथैल्पी, किलो जूल पर केजी में। सी आपके पास क्या है? वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड में। और अगर मैं बात करता हूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं जेड, जेड मेरे पास क्या है? जेड इज नथिंग बट द एलिवेशन। जेड मेरे पास क्या है? जेड मेरे पास है एलिवेशन, और ये एलिवेशन किस में होगा? दैट इज इन मीटर। ये जो जेड है, ये जेड आपके पास क्या है? सॉरी, ये जो जेड है, ये जेड आपके पास क्या है? जेड आपके पास दैट इज नथिंग बट द एलिवेशन, और ये एलिवेशन किस में होगा? दैट एलिवेशन इज इन मीटर, राइट? नाउ Q12 के बारे में अगर मैं बात करूं, Q12 क्या हो जाएगा? Q12, राइट? Q12 आपके पास है, दैट इज इन किलो जूल, राइट? और अगर मैं W12 की बात करूं तो W12 क्या हो जाएगा? दैट इज अ वर्क ट्रांसफर, दैट इज ऑल्सो इन किलो जूल। ये आपके पास किलो जूल में आ गया, ठीक है? तो ये आपके पास किस में? ये आपके पास टोटल फॉर्म में। ये आपके पास किस फॉर्म में? ये आपके पास टोटल फॉर्म में, टोटल फॉर्म में, राइट? अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसकी? रेट फॉर्म में। तो रेट फॉर्म में क्या हो जाएगा? देखो रेट फॉर्म में ऐसा कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, रेट फॉर्म में ये आएगा, रेट फॉर्म, रेट फॉर्म की बात हो रही है ना। रेट फॉर्म में अगर आप देखोगे तो रेट फॉर्म में क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे, राइट, ये हो जाएगा आपके पास रेट ऑफ मास इन, सॉरी रेट फॉर्म में अगर लिखोगे, एनर्जी की बात हो रही है ना, रेट फॉर्म में ये हो जाएगा रेट ऑफ एनर्जी इन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा रेट ऑफ एनर्जी विच इज आउट, करेक्ट है? रेट ऑफ एनर्जी इन इज इक्वल टू रेट ऑफ एनर्जी आउट, या फिर मैं लिख सकता हूँ दैट इज नथिंग बट द, ये हो गया E1 dot इज इक्वल टू, ये हो गया E2 dot, ये हो गया, ठीक है? चलो रेट फॉर्म में लिखोगे तो रेट फॉर्म में क्या आ जाएगा? अगेन रेट ऑफ एनर्जी इन इज इक्वल टू रेट ऑफ एनर्जी आउट, राइट? तो यहाँ से क्या आ जाएगा? दैट इज नथिंग बट द, ये हो जाएगा M dot, ये हो जाएगा H1 plus, ये हो जाएगा C1 square डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 2000 plus, ये हो जाएगा ZZ1, ये हो जाएगा 1000 plus, ये हो जाएगा Q dot, ये हो जाएगा 1 2 इज इक्वल टू, दिस इज द M dot, ये हो जाएगा H2 plus, ये हो जाएगा C2 square बाई, ये हो जाएगा 2000 plus, ये हो जाएगा ZZ2, ये हो जाएगा 1000 plus, ये हो जाएगा तुम्हारे पास W dot 1 2, ये आ जाएगा, ठीक है भाई? चल ये आ गया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो M dot किस में है? M dot जो है, क्योंकि ये रेट फॉर्म में, तो M dot किस में होगा? एम डॉट जो है दैट इज नथिंग बट द केजी पर सेकेंड, ये आपके पास किस में होगा? केजी पर सेकेंड में। एच अभी भी किस में है? एच अभी भी आपके पास किलो जूल पर केजी में ही होगा, ये तो स्पेसिफिक एंथैल्पी है, राइट? अगर मैं बात करूं एच की, तो एच मेरे पास क्या है? दैट एच इज नथिंग बट द स्पेसिफिक एंथैल्पी ओनली, स्पेसिफिक एंथैल्पी, और स्पेसिफिक एंथैल्पी यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, तो ये मेरे पास किस में है? दैट इज इन किलो जूल पर केजी, किस में होगा? किलो जूल पर केजी में, करेक्ट? अच्छा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सी के बारे में, तो सी मेरे पास क्या है? वेलोसिटी है, और ये वेलोसिटी किस में होगा? मीटर पर सेकंड में, करेक्ट है? अगर मैं जेड के बारे में बात करूँ तो जेड मेरे पास क्या है? दैट इज नथिंग बट द एलिवेशन,
ये मेरे पास एलिवेशन है और ये इसमें होगा मीटर में ही होगा, करेक्ट है, ये मीटर में ही होगा। और क्यू डॉट वन टू की बात करूँ तो ये हीट ट्रांसफर है, ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा किलोवाट में। और वैसे ही अगर मैं डब्ल्यू डॉट वन टू की बात करूँ, ये वर्क ट्रांसफर है और ये भी किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा किलोवाट में, करेक्ट है। तो देखो एम डॉट मल्टीप्लाइड बाई एच वन, यहाँ से जब इसको देखोगे ना, एम डॉट मल्टीप्लाइड बाई एच वन दैट इज नथिंग बट द एच वन डॉट, ये एच वन डॉट है और ये आपके पास किस में होगा, किलोवाट में होगा, तो इधर भी किलोवाट में आना चाहिए। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के जी पर सेकेंड में मल्टीप्लाइड बाई, ये तुम्हारे पास हो गया किलो जूल पर के जी में, के जी कैंसल आउट, तो किलो जूल पर सेकेंड किलोवाट, राइट, हो गया यूनिट बैलेंस। तो ये भी किलोवाट में हो जाएगा, ये भी किलोवाट में, ये भी किलोवाट में, ये किलोवाट में है ही ना, ये भी किलोवाट में, ये भी किलोवाट में, ये भी किलोवाट में और ये भी किलोवाट में। तो इस तरीके से आपके पास क्या है, यूनिट जो है वो बैलेंस है, राइट। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा गलती यहाँ पे यूनिट बैलेंस में ही होती है, सबसे ज़्यादा जो गलती होती है वो यूनिट बैलेंस में ही होती है, तो इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना है, ठीक है। चलो सो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, अब आपके पास समझना ध्यान से, राइट, क्या होता है, जितने भी अभी आप देखोगे सिस्टम, ठीक है, एप्लीकेशन में आप जैसे अभी रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग पढ़ रहे हो, राइट, सो आई से जो आपके पास 90 से 95% जो मैकेनिकल कंपोनेंट्स है, दीज आर दी ओपन सिस्टम है, राइट, चाहे अगर मैं नोजल की बात करूँ, डिफ्यूज़र की बात करूँ, चाहे मैं टर्बाइन की बात करूँ, ठीक है, या फिर मैं सपोज हीट एक्सचेंजर्स की बात करूँ, कंडेंसर हो गया, इवोपरेटर हो गया, ये सब आपके पास क्या है, ये सब आपके पास ओपन सिस्टम ही है, राइट, ये सब आपके पास क्या है, ये सब आपके पास ओपन सिस्टम ही है। तो अब आपको क्या करना रहता है, ठीक है, जब भी आपके पास कोई डिवाइस आप देखते हो और उस डिवाइस, वो डिवाइस आपके पास ओपन सिस्टम है, फ्लो आपके पास स्टडी है, तो प्रॉपर एजम्पशंस पुट करके ये आपके पास जो, ये जो आप देख रहे हो ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, या फिर इसी इक्वेशन को और हम क्या बोलते हैं, दैट इज नथिंग बट द स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, क्योंकि ये एनर्जी इक्वेशन है जो कि अप्लाई है किसके लिए, जो कि अप्लाई है स्टडी फ्लो के लिए, दिस इज द स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपके पास क्या है, ये इक्वेशन एनर्जी इक्वेशन है जो कि अप्लाई होकर रखा है स्टडी फ्लो के लिए, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, राइट। तो कोई भी अगर आप एक ओपन सिस्टम देखते हो, तो ओपन सिस्टम में अगर आपके पास स्टडी फ्लो है, राइट, और अगर आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच इज नथिंग बट द स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अगर आपको अप्लाई करना है, तो यू कैन अप्लाई, तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को एज पर द एजम्पशंस की उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, जस्ट वन मिनट, आज ये यार प्रॉब्लम दे रहा है, राइट, चलो। सो जैसे कि फॉर एग्जांपल, जस्ट टेक एन एग्जांपल, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, किसका एग्जांपल ले लेता हूँ, जस्ट टेक एन एग्जांपल, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे मैं टर्बाइन की बात करता हूँ, है ना, चलो जस्ट टेक एन एग्जांपल, टर्बाइन की मैं बात करता हूँ, तो टर्बाइन के केस में क्या हो गया, टर्बाइन के केस में सी हियर, ये हो गया मेरे पास क्या, ये मेरे पास हो गया टर्बाइन, दिस इज नथिंग बट द टर्बाइन, है ना, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास टर्बाइन है, और ये मेरे पास टर्बाइन का क्या हो गया, ये मेरे पास टर्बाइन का इनलेट हो गया, और ये मेरे पास टर्बाइन का एग्जिट हो गया, ये मेरे पास टर्बाइन का इनलेट है, और ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास टर्बाइन का एग्जिट हो गया, राइट, टर्बाइन का जो इनलेट है इसको मैं शो कर रहा हूँ 1 से, और टर्बाइन का जो एग्जिट है इसको मैं शो कर रहा हूँ 2 से, करेक्ट है पॉइंट। अब यहाँ पे क्या क्या समझना ध्यान से, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो टर्बाइन है, ये टर्बाइन कैसा टर्बाइन है, दिस टर्बाइन इज अ एडियाबैटिक, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एडियाबैटिक टर्बाइन है, मैंने बोल दिया एडियाबैटिक टर्बाइन है। अब भाई एडियाबैटिक टर्बाइन अगर मैं बोल दूंगा तो Q12 क्या हो जाएगा, Q12 जीरो हो जाएगा, अगर मैंने एडियाबैटिक टर्बाइन बोल दिया तो Q12 क्या हो जाएगा, Q12 जीरो हो जाएगा, और टर्बाइन है तो डेफिनेटली टर्बाइन से हमको वर्क आउटपुट मिलता है, राइट, सो एडियाबैटिक टर्बाइन है, Q12 जीरो हो गया। साथ में अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो जीरो है, है ना, मैंने ये मान लिया कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है, वो जीरो है, साथ में मैंने बोल दिया कि जो चेंज है पोटेंशियल एनर्जी में वो भी क्या है, वो भी आपके पास जीरो है, क्लियर। तो यहां से आपके पास जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन है वो एक सिंपल फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा, क्या रिड्यूस हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा तुम्हारे पास टोटल रेट फॉर्म में अगर लिखें तो ये हो गया एम डॉट एच वन प्लस, राइट, एडियाबैटिक है तो Q12 भी क्या हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा एम डॉट एच टू प्लस, राइट। अब टर्बाइन है, टर्बाइन से वर्क मिल रहा है, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया, ये हो गया टर्बाइन का वर्क, राइट, अल्टीमेटली टर्बाइन का वर्क क्या मिल जाएगा, और W12 जो है दिस इज नथिंग बट द एम डॉट, ये हो जाएगा H1 माइनस ये हो गया H2, H1 माइनस ये हो गया H2, क्लियर है पॉइंट। वैसे ही अगर मान लो फॉर एग्जांपल देयर इज अ कंडेंसर, जस्ट टेक एन एग्जांपल, एग्जांपल सेकंड ले लेता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ कंडेंसर है ना, ये आपके पास इस तरीके का आपके पास कंडेंसर है, चलो ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास है कंडेंसर।
अब कंडेंसर का काम क्या होता है, कंडेंसर का काम होता है एक तरीके का हीट एक्सचेंजर है ये। तो कंडेंसर का काम क्या होता है, कंडेंसर का काम होता है हीट रिजेक्ट करवाना, हीट रिजेक्ट करवाना। तो यहाँ पे हीट रिजेक्शन हो रहा है, राइट। ये हो गया मेरे पास क्या, इसको मैं इनलेट बोल देता हूँ, तो ये मेरे पास वन हो गया, और ये मेरे पास एग्जिट हो गया, इसको मैं क्या बोल देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ टू हो गया, राइट। कंडेंसर है, हीट रिजेक्शन हो रहा है, तो कोई भी वर्क आउटपुट मिलेगा क्या, नहीं, बिल्कुल भी कोई भी वर्क आउटपुट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो मेरा एजम्पशन है, वो एजम्पशन तो पहला एजम्पशन यही है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो मान लिया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, जीरो मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम एजम्पशन पुट कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो एजम्पशन है, आप एजम्पशन हम यहाँ पे क्या करें, एजम्पशन हम यहाँ पे पुट करें, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, राइट। साथ में कंडेंसर से कोई भी वर्क आउटपुट नहीं मिलता है, तो डब्ल्यू वन टू क्या हो जाएगा, ये भी आपके पास जीरो है, राइट। सो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या, ये हो गया मेरे पास एम डॉट, और ये मेरे पास हो जाएगा एच वन, राइट, एम डॉट एच वन। अच्छा, रिजेक्शन हो रहा है, तो रिजेक्शन हो रहा है तो प्लस या माइनस, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू डॉट रिजेक्शन, Q डॉट रिजेक्शन इज इक्वल टू, ये आ जाएगा तुम्हारे पास M डॉट, और ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ये हो गया H2, करेक्ट है। नाउ यहां से अगर देखोगे तो ये हो जाएगा Q डॉट रिजेक्शन इज इक्वल टू, दैट इज नथिंग बट द M डॉट, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास H1 माइनस, ये हो जाएगा H2, H1 माइनस H2, राइट, एंड दिस इज नथिंग बट द Q रिजेक्शन, ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया रिजेक्शन, राइट। तो इस तरीके से आप किसी भी ओपन सिस्टम के लिए क्या कर सकते हो, ओपन सिस्टम के लिए आप एनर्जी इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में क्या कर सकते हो, सिंपल फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हो, सिंपल फॉर्म में क्या कर सकते हो, सिंपल फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हो। इज इट क्लियर, ठीक है, तो ये सारा चीज आपको क्लियर होना चाहिए, राइट। चलो, तो यहां तक हम लोगों ने किसके बारे में बात कर लिया, हम लोगों ने बात कर लिया जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है, ठीक है, क्लोज सिस्टम के लिए देख लिया, ओपन सिस्टम के लिए देख लिया। नाउ नेक्स्ट किसके बारे में बात करना है, साइकल्स, ठीक है। नेक्स्ट हमको बात करना है दैट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स फॉर साइकल्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स फॉर द साइकल्स, साइकिल के लिए, राइट। तो भाई साइकिल की जब भी हम बात करते हैं, क्या मतलब होता है साइकिल का, देखो साइकिल का मतलब क्या होता है, साइकिल का मतलब ये होता है, ये कंप्लीट साइकिल है, साइकिल का मतलब होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है। साइकिल का जो मतलब होता है, वो साइकिल का मतलब क्या होता है, साइकिल का मतलब होता है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट आपके पास सेम है, राइट। मतलब मैं बोलूं वन पॉइंट और टू पॉइंट क्या है, वन पॉइंट और टू पॉइंट आपके पास क्या है, सेम है, राइट। अब देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स लगा सकते हो, जनरल वाला तो बिल्कुल लगाया जा सकता है, क्या हो जाएगा जनरल वाला, क्या लिखते थे, क्यू वन टू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा तुम्हारे पास डब्ल्यू वन टू प्लस, क्या लिखते थे, डेल्टा ई, ये हो गया डेल्टा ई, और ये जो डेल्टा ई था मेरे पास क्या था, दैट डेल्टा ई इज नथिंग बट द ई टू माइनस, क्या था, ई टू माइनस ई वन। अब मैं बोल रहा हूँ साइकिल है, तो साइकिल के केस में वन और टू आपके पास वही पॉइंट होगा, और वन और टू आपके पास सेम पॉइंट है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो, ये आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो। तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट द क्यू वन टू इज इक्वल टू डब्ल्यू वन टू, ये आ गया, राइट। इसको जनरलाइज करें, जनरलाइज करके लिखिए, तो जनरलाइज करके हम कैसे लिख सकते हैं, अगर इसको हम जनरलाइज करें तो जनरलाइज करके क्या लिख सकते हैं, जस्ट समीशन नेट हीट ट्रांसफर और नेट Q12 इज इक्वल टू, दैट इज नथिंग बट द नेट W12, या फिर मैं लिख सकता हूं दैट इज नथिंग बट द Q नेट इज इक्वल टू, दैट इज नथिंग बट द W नेट, ये हो गया। एंड दिस इज नथिंग बट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स फॉर द साइकिल, ये आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स किसके लिए है, साइकिल के लिए, राइट। तो कभी भी साइकिल के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स लिखते हैं तो समेशन क्यू इज इक्वल टू, कई बार हम डायरेक्टली ये भी लिख देते हैं दैट समेशन क्यू इज इक्वल टू समेशन डब्ल्यू, नो प्रॉब्लम विद दैट, दिस इज आल्सो करेक्ट, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, और ये भी आपके पास करेक्ट है, द समेशन क्यू इज इक्वल टू समेशन डब्ल्यू। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स फॉर द साइकिल। तो कभी भी साइकिल की बात होती है, साइकिल का मतलब क्या होता है, साइकिल के केस में कोई भी प्रॉपर्टी में जो चेंज है, इन केस ऑफ द साइकिल, राइट, एनी चेंज इन द प्रॉपर्टी, इन केस ऑफ साइकिल, In case of cycle, any change in the property is zero. Any change in the property is zero. Any change in property is zero. Any change in property is zero. ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी में जो चेंज है वो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होता है, राइट। और एक चीज और, अगर मैं बोलता हूँ एक्स मेरे पास क्या है, एक्स अगर मेरे पास प्रॉपर्टी है, इफ सपोज आई एम सेइंग
कि एक्स मेरे पास क्या है, एक्स मेरे पास प्रॉपर्टी है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज नथिंग बट द, ठीक है, एक्स अगर मेरे पास प्रॉपर्टी है तो क्या हो जाएगा, दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ द एक्स दैट इज इक्वल टू जीरो, ये हम लिख सकते हैं, राइट। ये यही बता रहा है कि साइकिल के केस में क्या होता है, साइकिल के केस में एनी चेंज इन प्रॉपर्टी, साइकिल के केस में कोई भी प्रॉपर्टी में चेंज है, या फिर इसको मैं सिंपल फॉर्म में और लिख देता हूँ इस तरीके से, चलो ये हो जाएगा आपके पास क्या, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू जीरो, राइट। अगर x मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी में जो चेंज होगा वो किसके बराबर होगा, वो जीरो के बराबर होगा, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, किसके लिए, जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं साइकिल के केस में, जब हम बात करते हैं किसके लिए, जब हम बात करते हैं साइकिल के केस में, राइट। तो होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, सबको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलो भाई, नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले किसके बारे में, ठीक है, नेक्स्ट यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं आइडियल गैस, ठीक है, आइडियल गैस के बारे में, आइडियल गैस एंड इट्स प्रॉपर्टीज, आइडियल गैस एंड इट्स प्रॉपर्टीज, क्यों मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ ये भी मैं आपको बता देता हूँ, है ना। इसके बारे में क्यों यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, यहाँ पे डिस्कशन इसलिए करने वाले हैं क्योंकि आगे जाके आप पढ़ोगे गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम, है ना, आगे जाके हम पढ़ेंगे क्या, आगे जाके हम पढ़ेंगे गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम, और जब गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम आप पढ़ रहे हो, जब गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम आप पढ़ रहे हो, तो गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम में डेफिनेटली आपको जरूरत पड़ने वाली है किसकी, आपको जरूरत पड़ने वाली है गैस की प्रॉपर्टीज की, राइट। आगे आप पढ़ोगे गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम, और गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम में आपको जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, राइट। इसलिए मैं यहाँ पे आइडियल गैस और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ व्हाट इज द आइडियल गैस, क्या मतलब होता है आइडियल गैस का, ठीक है, सिंपल समझा रहा हूँ मैं आपको, ज़्यादा ठीक है डेप्थ में ले जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जितना मुझे काम है मैं उसे उतना आपको बता रहा हूँ, राइट। देखो आइडियल गैस की अगर मैं बात करूँ तो आइडियल गैस बेसिकली होता क्या है, व्हाट इज द आइडियल गैस, राइट। सो एज पर द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, अगर हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के हिसाब से बात करें, सो a gas which follows the equation of state is called the ideal gas, right. अब अगर मैं बात करता हूँ किसकी, अगर मैं बात करता हूँ इक्वेशन ऑफ स्टेट, तो इक्वेशन ऑफ स्टेट का मतलब क्या है, वॉट इज द मीनिंग ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्टेट, दैट इज द रिलेशन बिटवीन द प्रेशर वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है, तो इक्वेशन ऑफ स्टेट इज नथिंग बट द रिलेशन बिटवीन द प्रेशर वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर, राइट। सो अ गैस विच फॉलोज द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ स्टेट, राइट। तो क्या इक्वेशन ऑफ स्टेट, तो अगर मैं मास बेसिस पे अगर देखूं, अगर मैं मास बेसिस पे देखता हूं, तो मास बेसिस पे क्या हो जाएगा, मास बेसिस पे दैट इज नथिंग बट द, ये हो जाएगा पी वी इज इक्वल टू दैट इज नथिंग बट द एम आर टी, ये हो गया मास बेसिस पे, राइट। सो अगर कोई भी गैस मास बेसिस पे इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है पी वी इज इक्वल टू एम आर टी को, तब मैं उसको क्या बोलता हूँ, तब मैं बोलता हूँ उसको आइडियल गैस, राइट। या फिर अगर मैं मोलार बेसिस पे अगर मैं बात करूँ, तो मोलार बेसिस पे अगर कोई गैस इस इक्वेशन ऑफ स्टेट को फॉलो कर रहा है पी वी इज इक्वल टू, ये हो गया तुम्हारे पास एन आर बार टी, पी वी इज इक्वल टू एन आर बार टी, तब उस गैस को मैं क्या बोलता हूँ, उस गैस को मैं बोलता हूँ कि वो गैस आइडियल गैस है, राइट। तो मास बेसिस पे आपके पास ये इक्वेशन ऑफ स्टेट है, मोलार बेसिस पे आपके पास ये इक्वेशन ऑफ स्टेट है, क्लियर है पॉइंट। सो पी वी इस सब के बारे में आगे बात करेंगे, राइट। अब देखो कोई भी गैस आइडियल गैस के बिहेवियर को कब फॉलो करता है, राइट। कोई भी गैस आइडियल गैस के बिहेवियर को कब फॉलो करता है, राइट। सो कोई भी गैस आइडियल गैस के बिहेवियर को कब फॉलो करता है, जब हम ये बोलते हैं, ठीक है, एनी गैस फॉलोज दी आइडियल गैस बिहेवियर, राइट। अगर मैं बात करूं कोई भी गैस आइडियल गैस के बिहेवियर को कब फॉलो करता है, सो एनी गैस फॉलोज द आइडियल गैस बिहेवियर व्हेन टेम्परेचर की वैल्यू, द टेम्परेचर की वैल्यू इज वेरी हाई, टेम्परेचर की वैल्यू को हम ये बोल देते हैं कि काफी ज्यादा हाई है, सो टेम्परेचर टेंड्स टू इन्फिनिटिव, और क्या बोल सकते हैं, एंड जो प्रेशर की वैल्यू है, तो प्रेशर की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है, प्रेशर की वैल्यू बहुत कम है, सो प्रेशर वैल्यू टेंड्स टू जीरो, राइट। कोई भी गैस
किसी भी गैस को हम आइडियल गैस के जैसा कब मान सकते हैं या कोई भी गैस आइडियल गैस के बिहेवियर को कब फॉलो करता है. सो एनी गैस फॉलोज द आइडियल गैस बिहेवियर व्हेन, कब आपके पास व्हेन, व्हेन टेम्परेचर टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब टेम्परेचर की वैल्यू क्या हो, टेम्परेचर की वैल्यू आपके पास बहुत ज्यादा हो, और प्रेशर की वैल्यू क्या हो, प्रेशर की वैल्यू जो आपके पास बहुत कम हो. राइट, ये आपके पास थ्योरेटिकल चीजें हैं. ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास थ्योरेटिकल चीजें हैं. राइट, अब आपको क्या करना है, अब आपको चीजें थोड़ी सी प्रैक्टिकल वे में समझनी है. ठीक है, अगर ये चीजें आपको प्रैक्टिकल वे में समझनी है तो देखो, कोई भी गैस को हम आइडियल गैस कब मान लेते हैं. राइट, कोई भी गैस को हम आइडियल गैस कब मान लेते हैं, अगर उसका जो टेम्परेचर है, अगर उस गैस का टेम्परेचर जो है वो उस गैस के क्रिटिकल टेम्परेचर से, क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर से अगर ज्यादा है. राइट, और जो प्रेशर है वो प्रेशर क्या है, प्रेशर जो है वो क्रिटिकल प्रेशर से क्या है, क्रिटिकल प्रेशर से कम है. गेटिंग माई पॉइंट? राइट, अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकली, कोई भी गैस को आप आइडियल गैस के जैसा कब बिहेव करते हो, जैसे कि अगर मैं बात करूं जिस रूम में आप बैठे हो, राइट, जिस रूम में आप बैठे हो वहां पे जो एयर है, ठीक है, जो रूम में जो एयर है, क्या उस एयर को आप आइडियल गैस मान सकते हो? ठीक है, क्योंकि जो रूम में एयर, आप रूम में आप बैठे हो, उस एयर का जो टेम्परेचर होगा वो तो आपके पास 25 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस या 35 डिग्री सेल्सियस होगा. तो क्या जो रूम में जो एयर है, क्या उस एयर को आप आइडियल गैस मान सकते हो कि नहीं मान सकते हो? समझना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ. ठीक है, जो रूम है, रूम में जो आपके पास एयर है, क्या उस एयर को तुम आइडियल गैस मान सकते हो? क्योंकि वहां पे टेम्परेचर हाई तो नहीं है, वहां पे टेम्परेचर तो नॉर्मल है, 30-35 डिग्री सेल्सियस है. तो क्या उस एयर को आप आइडियल गैस मान सकते हो? ठीक है, तो आंसर है बिल्कुल यस, हम मान सकते हैं उस एयर को आइडियल गैस. क्योंकि यहाँ पे जैसे हम बोलते हैं ना कि टेम्परेचर टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब टेम्परेचर की वैल्यू बहुत ज्यादा होनी चाहिए, और प्रेशर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, प्रेशर की वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए. लेकिन टेम्परेचर की वैल्यू बहुत ज्यादा मतलब कितनी ज्यादा, राइट, टेम्परेचर की वैल्यू आपके पास बहुत ज्यादा मतलब कितनी ज्यादा होनी चाहिए. सो कितनी ज्यादा होनी चाहिए, यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो टेम्परेचर की वैल्यू क्रिटिकल टेम्परेचर से क्या होना चाहिए, क्रिटिकल टेम्परेचर से आपके पास ज्यादा होना चाहिए, और जो क्रिटिकल प्रेशर है वो क्रिटिकल प्रेशर से क्या होना चाहिए, क्रिटिकल प्रेशर से आपके पास कम होना चाहिए. राइट, सो अगर मैं एयर के लिए बात करूं, देखो एयर के केस में जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, मैं एग्जांपल के तौर पे अगर बताऊं, जैसे एयर हो गया, राइट, तो एयर के लिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है ना, क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है, तो ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, दिस इज, अच्छा, व्हाट इज द क्रिटिकल पॉइंट, ये भी आपको पता होना चाहिए. राइट, अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट की बात करता हूँ तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट आपके पास वो पॉइंट होता है, जैसे आप लोगों ने प्योर सब्सटेंस में भी पढ़ते हो क्रिटिकल पॉइंट, सो क्रिटिकल पॉइंट आपके पास वो पॉइंट होता है जिसमें आपके पास फेज चेंज करने के लिए लैटेंट हीट की जरूरत नहीं पड़ती है. द क्रिटिकल पॉइंट इज नथिंग बट द पॉइंट एट विच देयर इज नो लैटेंट हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज. फेज चेंज करने के लिए कोई भी लैटेंट हीट की जरूरत आपको नहीं पड़ती है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट. राइट, सो जैसे एयर हो गया, तो एयर के केस में जो मेजर कंस्टिट्यूएंट है वो मेजर कंस्टिट्यूएंट किसका है, मेजर कंस्टिट्यूएंट है नाइट्रोजन का. मेजर कंस्टिट्यूएंट किसका है, मेजर कंस्टिट्यूएंट है नाइट्रोजन का. ठीक है, और नाइट्रोजन का जो क्रिटिकल पॉइंट होता है उसी को हम ऑलमोस्ट मान लेते हैं एयर का क्रिटिकल पॉइंट. ठीक है, एयर का क्रिटिकल पॉइंट, और ये कितना होता है, दिस इज अराउंड -140 डिग्री सेल्सियस. ये आपके पास -140 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है. और अगर मैं कन्वर्ट करूं, इसको कन्वर्ट करूं किसमें, अगर कन्वर्ट करूं केल्विन में, तो केल्विन में कन्वर्ट करने के बाद कितना आएगा, है ना, अगर इसको आप कन्वर्ट कर दोगे किसमें, केल्विन में, तो केल्विन में कन्वर्ट करने के बाद ये कितना आ जाएगा, -140 प्लस 273 कितना आ रहा है, 133. ठीक है, ये आपके पास कितना आ रहा है, ये आपके पास आ रहा होगा 133 केल्विन के करस्पॉन्डिंग. राइट, और जो रूम में तुम बैठे हो ना, उस रूम का जो टेम्परेचर है वो कितना है, रूम पे जो टेम्परेचर है वो उसका टेम्परेचर है मान लेते हैं 30 डिग्री सेल्सियस. और 30 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना है, देखो क्या हो जाएगा, 30 प्लस ये हो जाएगा 273. 30 प्लस 273 मतलब ये तुम्हारे पास कितना आ गया, दैट इज नथिंग बट द 303 केल्विन. कितना आ गया आपके पास, 303 केल्विन. गेटिंग माय पॉइंट? तो जो रूम में जो आप बैठे हो ना, उसका जो टेम्परेचर है, उस एयर का जो टेम्परेचर है, उस वो एयर का टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से आपके पास ज्यादा है. ठीक है, अगर एक केल्विन या एक डिग्री सेल्सियस भी ज्यादा होता है तो आप उसको आइडियल गैस मान सकते हो. और वही रीजन है कि आपके पास जो रूम में एयर है, उस एयर को आप आराम इजिली क्या मान सकते हो, इजिली आप आइडियल गैस मान सकते हो. राइट, सो भाई आइडियल गैस, कोई भी गैस आइडियल गैस के बिहेवियर को कब फॉलो करता है, व्हेन टेम्परेचर. ठीक है, अगर थ्योरेटिकली बोलोगे तो बोल सकते हो कि टेम्परेचर की वैल्यू बहुत ज्यादा है, प्रेशर की वैल्यू आपके पास बहुत कम है. लेकिन अगर प्रैक्टिकली अगर मैं बोलूं तो टेम्परेचर की वैल्यू क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा होनी चाहिए, और प्रेशर जो है वो क्रिटिकल प्रेशर से क्या होना चाहिए, क्रिटिकल प्रेशर से कम होना चाहिए. ठीक है, उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी गैस को आइडियल गैस के जैसा आप ट्रीट कर सकते हो. राइट, चलो अब आपके पास ये जो आप देख रहे हो ना, जब आपके पास व्हेन टेम्परेचर टेंड्स टू, अगर आपके पास टेम्परेचर की वैल्यू आपके पास बहुत ज्यादा है और प्रेशर की वैल्यू आपके पास क्या है, प्रेशर की वैल्यू आपके पास बहुत कम है. अगर टेम्परेचर की वैल्यू आपके पास बहुत ज्यादा है और प्रेशर की वैल्यू आपके पास बहुत कम है, तो इस कंडीशन में आपके पास जो दो एजम्पशंस है वो दो एजम्पशंस वैलिड होते हैं, जो किसी भी गैस को आइडियल गैस के जैसा बिहेव करने के लिए जरूरी होता है. राइट, दो एजम्पशंस होते हैं. पहला एजम्पशन क्या होता है, पहला एजम्पशन ये है
कि आपके पास जो गैस के मॉलिक्यूल्स है राइट, जो गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है वो आपके पास क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा राइट। सो अगर आपके पास व्हेन टेम्परेचर टेंस टू वेरी हाई एंड द प्रेशर टेंस टू जीरो, तो इस सिचुएशन में आपके पास क्या होगा, फर्स्ट आपके पास जो एजम्पशन होता है दैट एजम्पशन इज इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स इज नेग्लिजिबल। मैं शॉर्ट में ही लिख रहा हूं ना, इज नेग्लिजिबल, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स इज नेग्लिजिबल, दैट इज द फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड पॉइंट आपके पास क्या, सेकेंड पॉइंट आपके पास ये है दैट वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल, इज नेग्लिजिबल एज अ कंपेयर टू, एज कंपेयर टू दी वॉल्यूम ऑफ, एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर राइट। कंटेनर के वॉल्यूम के कंपेयर में जो मॉलिक्यूल्स का जो खुद का वॉल्यूम है, मॉलिक्यूल्स का जो खुद का वॉल्यूम है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास नेग्लिजिबल है राइट। तो ये दो एजम्पशंस है, ये आप देख रहे हो ना यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास दो एजम्पशंस है, ये आपके पास दो एजम्पशंस है। और ये जो एजम्पशंस है, ये एजम्पशंस कब वैलिड होगा, जब आपके पास क्या है, जब आपके पास टेम्परेचर की वैल्यू हाई है और प्रेशर की वैल्यू क्या है, प्रेशर की वैल्यू आपके पास कम है। क्लियर है पॉइंट राइट। तब आपके पास कोई भी गैस आइडियल गैस के बिहेवियर को क्या करता है, फॉलो करता है राइट। अच्छा, अगर आपके पास कोई गैस आइडियल गैस के बिहेवियर से डेविएट करता है तो उसको बताने के लिए देयर इज अ टर्म दैट इज कॉल्ड द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर राइट। और इसके बेसिस पे इस साल क्वेश्चन भी आया था ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर राइट। अगर कोई भी आपके पास गैस है तो अगर वो आइडियल गैस के बिहेवियर्स को डेविएट करता है राइट, आइडियल गैस के बिहेवियर से अगर डेविएट होता है उसको बताने के लिए देर इज अ फैक्टर एंड दैट फैक्टर इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। और आइडियल गैस के लिए, अगर आइडियल गैस के लिए अगर आप देखते हो तो आइडियल गैस के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है, आइडियल गैस के लिए जेड की वैल्यू होती है वन। आइडियल गैस के लिए जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज वन। आइडियल गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू दैट इज इक्वल टू वन ठीक है। तो इसके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि दिस इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक्स ऑफ द थर्मोडाइनमिक्स ठीक है। तो वहां पे सारी चीजें आप देखते हो राइट। चलो नाउ नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ किसके बारे में, सी ईयर। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट नाउ सी, ये समझ में आ गया। सो आइडियल गैस, नाउ नेक्स्ट आपके पास बात करने वाले किसके बारे में, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं आइडियल गैस की प्रॉपर्टीज के बारे में राइट। प्रॉपर्टीज ऑफ द आइडियल गैस, या फिर मैं बोल सकता हूं आइडियल गैस प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट आपके पास है आइडियल गैस प्रॉपर्टीज, आइडियल गैस प्रॉपर्टीज, आइडियल गैस प्रॉपर्टीज राइट। बात किसके बारे में करने वाले हैं, आइडियल गैस प्रॉपर्टीज, आइडियल गैस की प्रॉपर्टीज राइट। एजम्पशन बताया तो इंटर मॉलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स जो होगा, दैट इंटर मॉलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, सी ईयर, दैट इंटर मॉलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स है सी ईयर, ये आपके पास क्या है, दैट इंटर मॉलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। देखो क्या हो रहा है, अगर इंटर मॉलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स की बात करो, जैसे कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक कंटेनर है, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि दिस इज द कंटेनर, इफ सपोज दिस इज द कंटेनर, ये कंटेनर है और ये जो कंटेनर है ना, इस कंटेनर में आपके पास कोई गैस फील है ना, ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या है, इस कंटेनर में गैस फील है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास गैस के मॉलिक्यूल्स है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास गैस के मॉलिक्यूल्स है। अब देखो आपने बोला प्रेशर की वैल्यू कम होनी चाहिए, तो प्रेशर की वैल्यू अगर कम है, अगर प्रेशर की वैल्यू कम है इसका मतलब सीधी सी बात है जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो दूर दूर है। प्रेशर की वैल्यू अगर कम है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच का, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का ये जो गैप है, ये गैप क्या है, ये गैप आपके पास ज्यादा है राइट। तो ऐसे सिचुएशन में जो इंटर मॉलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स होगा वो क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, दैट इज अ फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग मैंने क्या बोला, सेकेंड थिंग मैंने ये बोला कि जो मॉलिक्यूल का, अगर मैं बोलता हूँ क्या, अगर मैं बोलता हूँ कि ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर का जो टोटल वॉल्यूम है, वो टोटल वॉल्यूम क्या है, द टोटल वॉल्यूम दैट इज नथिंग बट द कैपिटल वी। जो कंटेनर का जो टोटल वॉल्यूम है वो मेरे पास क्या है, दैट इज कैपिटल वी। और जो मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूल का जो खुद का जो आपके पास वॉल्यूम है, मॉलिक्यूल का जो खुद का वॉल्यूम है, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, वो मेरे पास क्या है, मॉलिक्यूल का खुद का वॉल्यूम, जिसको मैं बोल देता हूँ वी एम। मॉलिक्यूल का जो खुद का वॉल्यूम है वो मेरे पास क्या है, दैट इज नथिंग बट द वी एम। तो ये जो वी एम है ना, दिस वी एम इज वेरी वेरी लेसर देन एज अ कम्पेयर टू द कैपिटल वी। वही मैंने लिखा है
कि दैट वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल, जो मॉलिक्यूल का खुद का वॉल्यूम होगा दैट इज नेग्लिजिबल एज अ कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। मतलब सीधी सी बात है, जितना हम ये बोल सकते हैं दूसरी भाषा में, ऐसा बोल सकते हैं कि भाई कंटेनर का जितना वॉल्यूम होगा ना उतना ही वॉल्यूम आपके पास गैस का वॉल्यूम होगा, क्योंकि गैस का खुद का वॉल्यूम आपके पास क्या है, खुद का वॉल्यूम जो है वो नेग्लिजिबल है। ठीक है, यही मैंने आपको बताया। ठीक, चलो अभी आइडियल गैस प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो आइडियल गैस प्रॉपर्टीज के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली प्रॉपर्टी देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है। हाँ, अगर आपके पास डेफिनेटली, अगर आपके पास क्या होगा, अगर आपके पास प्रेशर, वही तो मैंने बताया यार कि अगर मेरे पास क्या होगा, अगर मेरे पास प्रेशर की वैल्यू, अगर मेरे पास प्रेशर की वैल्यू हाई होगी, प्रेशर अगर मैं इंक्रीज कर दूँ, ठीक है, ये कब की बात है, जब प्रेशर टेंस टू जीरो है, अगर प्रेशर की वैल्यू हाई कर दोगे तो, प्रेशर की वैल्यू हाई कर दोगे तो उस समय आपके पास वो जो गैस है वो गैस आइडियल गैस के बिहेवियर से डेविएट होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि उस केस में आपके पास जो इंटर मॉलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स है वो आपके पास पिक्चर में आ जाएगा। दैट इंटर मॉलिकुलर फोर्स कम इनटू पिक्चर, इंटर मॉलिकुलर फोर्स को आप वहां पे नेग्लिजिबल नहीं बोल सकते हो, वो आपके पास पिक्चर में आ जाएगा, और पिक्चर में अगर आ जाएगा तो सीधी सी बात है उस सिचुएशन में आपके पास क्या हो जाएगा, उस सिचुएशन में आपके पास वो गैस जो है वो आइडियल गैस के बिहेवियर से डेविएट करेगा। अब कितना डेविएशन हो रहा है उसको बताने के लिए देयर इज अ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, राइट। अब वो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में यहां पे मैं बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, चलो। नाउ नेक्स्ट, आइडियल गैस प्रॉपर्टीज जो आपको जरूरत पड़ने वाली है, एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आइडियल गैस बिहेवियर। सो आइडियल गैस बिहेवियर या फिर आइडियल गैस प्रॉपर्टीज, आइडियल गैस की प्रॉपर्टीज के बारे में। सो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, आइडियल गैस फॉलोज दिस इक्वेशन ऑफ स्टेट, राइट। तो अगर मैं मास, दैट इज नथिंग बट द पी वी इज इक्वल टू, दैट इज नथिंग बट द क्या है, दैट इज द एम आर टी, पी वी इज इक्वल टू एम आर टी, करेक्ट है। सो वॉट इज द पी, राइट, अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं पी, सो पी मेरे पास कौन सा प्रेशर है, अगर इस पी के बारे में बात करता हूं तो पी मेरे पास कौन सा प्रेशर है, दिस इज नथिंग बट द एब्सोल्यूट प्रेशर। ये जो पी होता है ये कौन सा प्रेशर होता है, ये पी जो होता है दिस इज नथिंग बट द एब्सोल्यूट प्रेशर, और एब्सोल्यूट प्रेशर अगर है तो ये किस में ले रहा हूं मैं, किलो पास्कल में, राइट। ये मेरे पास किस में हो गया, ये हो गया किलो पास्कल में, राइट। अगर मैं बात करता हूं किसकी, आइडियल गैस की प्रॉपर्टीज के बारे में, तो मास बेसिस पे अगर आइडियल गैस इक्वेशन को लिखोगे, मास बेसिस पे अगर आइडियल गैस इक्वेशन को लिखते हैं तो पी वी इज इक्वल टू एम आर टी, पी आपके पास क्या है, पी आपके पास है एब्सोल्यूट प्रेशर, रिमेंबर दिस इज एब्सोल्यूट प्रेशर, राइट। अच्छा, वी मेरे पास क्या होगा, अगर मैं वी की बात करूं तो वी मेरे पास क्या होगा, दैट इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ, क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, आप वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर बोल सकते हो, या फिर क्या बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो वॉल्यूम ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर बोल सकते हो, या फिर क्या बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो वॉल्यूम ऑफ द गैस। क्यों, क्योंकि जितना कंटेनर का वॉल्यूम है उतना ही आपके पास गैस का वॉल्यूम होगा, क्योंकि गैस का खुद का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है। सो वॉट एवर द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, द सेम वॉल्यूम इज फॉर द गैस ऑल्सो, राइट। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास क्या, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट द मीटर क्यूब, ये हो गया, राइट। अच्छा, अगर मैं m की बात करूं तो m मेरे पास क्या है, दैट m इज नथिंग बट द मास, ये मेरे पास क्या हो गया, मास, और ये मेरे पास किस में हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा केजी में, राइट। अगर मैं r के बारे में बात करूं तो r मेरे पास क्या है, व्हाट इज द r, दैट r इज नथिंग बट द कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। अगर मैं r के बारे में बात करूं तो r मेरे पास क्या है, r मेरे पास है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, r मेरे पास क्या हो गया, r मेरे पास हो गया कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। व्हाट इज द यूनिट, दैट यूनिट इज किलो जूल पर केजी केल्विन, किलो जूल पर केजी केल्विन, या फिर क्या बोल सकते हो, दैट इज नथिंग बट द जूल पर ग्राम केल्विन, जूल पर ग्राम केल्विन, ये बोल सकते हो, राइट। सो आर इज नथिंग बट द कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। अच्छा, टी मेरे पास क्या है, व्हाट इज द टी, द टी इज नथिंग बट द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर मैं टी के बारे में बात करूं तो टी मेरे पास क्या है, द टी इज नथिंग बट द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर किस में होगा, दैट एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज नथिंग बट द केल्विन, करेक्ट है। सो पी इज द एब्सोल्यूट प्रेशर, वी इज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर या फिर वॉल्यूम ऑफ द गैस, एम इज द मास, आर इज द कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, एंड टी इज नथिंग बट द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, राइट। नाउ अब यहां पे एक चीज समझने वाली बात ये है कि भाई ठीक है, एब्सोल्यूट प्रेशर कई बार हमको क्वेश्चन में गेज प्रेशर गिवन होता है, राइट। तो क्या रिलेशन होता है गेज प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर में, द रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन एब्सोल्यूट प्रेशर, रिलेशन बिटवीन एब्सोल्यूट प्रेशर एंड द गेज प्रेशर, रिलेशन बिटवीन द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड द गेज प्रेशर, क्या रिलेशन हो जाएगा, तो रिलेशन क्या हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट द एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा तुम्हारे पास लोकल एटमोस्फेरिक प्रेशर, लोकल एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस माइनस, ये हो गया गेज प्रेशर, प्लस माइनस ये हो गया गेज प्रेशर, प्लस माइनस ये हो गया गेज प्रेशर,
करेक्ट है. एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस माइनस क्या हो गया गेज प्रेशर, राइट. तो इसको यूज करके तुम क्या निकाल सकते हो, एब्सोल्यूट प्रेशर निकाल सकते हो. और एब्सोल्यूट प्रेशर आप यहां से यूज, ठीक है, एब्सोल्यूट प्रेशर को आप यहां पे यूज कर सकते हो. गेटिंग माय पॉइंट, राइट. सो एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस माइनस क्या हो गया प्लस माइनस गेज प्रेशर. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द एब्सोल्यूट प्रेशर, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड द गेज प्रेशर, राइट. तो ये आपके पास ये हो गया, ठीक है, इसको आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, ठीक. चलो भाई ये हो गया. नाउ सेकेंड आपके पास क्या हो गया, सेकेंड में अगर मैं बात करूं, सेकेंड प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, अगेन ये मोलार मास बेसिस पे आपने देखा है. नाउ नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट आपके पास है मोलार बेसिस पे, राइट. सेकेंड जो प्रॉपर्टी है दैट आइडियल गैस इक्वेशन मोलार बेसिस पे क्या हो जाएगा, मोलार बेसिस पे दैट इज नथिंग बट द पी वी इज इक्वल टू दैट इज अ एन आर बार टी, पी वी इज इक्वल टू एन आर बार टी, राइट. सो अब यहाँ पे अगर देखोगे एन मेरे पास क्या, देखो पी तो एब्सोल्यूट प्रेशर ही है, वी आपके पास वॉल्यूम ही है, राइट. अच्छा एन इज इक्वल टू आर बार टी, तो एन इज इक्वल टू एन मेरे पास क्या आ गया, दैट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ, क्या लिखोगे, नंबर ऑफ किलोमोल्स. एन मेरे पास क्या है, एन मेरे पास है नंबर ऑफ किलोमोल्स, एन इज नथिंग बट द नंबर ऑफ किलोमोल्स, राइट. आर बार, वॉट इज द आर बार, दैट आर बार इज नथिंग बट द दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट. ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, ये आपके पास है यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट. इसका मतलब ये है कि ये यूनिवर्सल है, ये गैस के ऊपर डिपेंड करता ही नहीं है, ठीक है. ये किसी भी गैस के लिए आप आर बार की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 8.314, ये हो जाएगा किलो जूल पर किलो मोल, किलो जूल पर किलो मोल कैलविन, या फिर क्या लिख सकते हो, ये हो जाएगा जूल पर मोल कैलविन, जूल पर मोल कैलविन, ये हो गया. एंड दिस इज नथिंग बट द आर बार, ठीक है. अच्छा टी के बारे में बात करूं तो टी तो आपके पास वही है, टी आपके पास क्या है, टी इज नथिंग बट द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ओनली. अगर मैं टी के बारे में बात करूं तो टी मेरे पास क्या है, टी इज नथिंग बट द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ओनली, और ये किस में हो जाएगा, केल्विन में. पी आपके पास क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर ही है, पी आपके पास क्या है, दैट पी इज नथिंग बट द एब्सोल्यूट प्रेशर, और एब्सोल्यूट प्रेशर किस में, दैट इज अ किलो पास्कल. और अगर मैं वी के बारे में अगर मैं बात करूं तो वी मेरे पास क्या है, यहां पे लिख दूं क्या, वी मेरे पास क्या है, दैट इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ गैस या फिर वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ द गैस या फिर वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, ठीक है. अच्छा एक चीज और यहां पे थोड़ा सा इसको अपन मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, देखो यहां से पी वी इज इक्वल टू एम आर टी तो आपने लिख दिया, राइट. नाउ पी वी बाई एम, एम को नीचे ले आऊं और ये मेरे पास हो जाएगा आर टी, करेक्ट है. तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा P, और ये हो जाएगा टोटल वॉल्यूम पर यूनिट मास, मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम. तो ये हो जाएगा पी वी इज इक्वल टू, ये मेरे पास क्या हो गया आर टी, पी वी और ये हो गया आर टी, और ये स्मॉल v मेरे पास क्या है, दिस इज नथिंग बट द स्पेसिफिक वॉल्यूम. ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है स्पेसिफिक वॉल्यूम, और ये मेरे पास किस में होगा, मीटर क्यूब पर के जी में. ये किस में होगा, ये होगा मीटर क्यूब पर के जी में, ठीक है भाई. ये हो जाएगा पी वी इज इक्वल टू आर टी. अच्छा दूसरे फॉर्म में और लिख सकते हो, ये आप इसको ऐसे डाल, ठीक है. अच्छा दूसरे फॉर्म में और लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, तो पी वी इज इक्वल टू, देखो ये हो जाएगा एम बाई वी, राइट. वी को इधर ले आए तो ये हो जाएगा एम बाई वी आर टी, और ये क्या लिख सकते हैं, पी इज इक्वल टू दैट इज नथिंग बट द, ये हो गया क्या, रो आर टी. पी इज इक्वल टू क्या हो गया, ये आपके पास हो गया रो आर टी, राइट. तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो. तो ये आपके पास अनदर फॉर्म ऑफ द आइडियल गैस इक्वेशन, ये हो गया, राइट. तो तीनों ही आपको आना चाहिए, ठीक है. चलो तो ये हो गया मास बेसिस पे आइडियल गैस इक्वेशन, ये हो गया मोलार बेसिस पे, राइट. नाउ नेक्स्ट इज द रिलेशन बिटवीन, ठीक है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द आर एंड आर बार, द रिलेशन बिटवीन आर एंड आर बार, रिलेशन बिटवीन आर एंड आर बार, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आर एंड आर बार, आर और आर बार के बीच में क्या रिलेशन, राइट. सो आर और आर बार के बीच में क्या रिलेशन है, अगर मैं आर की बात करता हूं तो आर मेरे पास क्या है, दैट आर इज नथिंग बट द, आर इज द कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट. ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ द गैस पे, ठीक है. डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ द गैस, टाइप ऑफ द Depends on the type of the gas, right? अगर R bar के बारे में बात करूं तो R bar जो है that is a universal gas constant. Universal gas constant is independent of
It is independent of गैस. आप किसी भी गैस के लिए जो आर बार की वैल्यू है इसको क्या लिख सकते हो, 8.314, ये हो जाएगा किलो जूल पर किलो मोल केल्विन, किलो जूल पर किलो मोल केल्विन, ये लिख सकते हो. ठीक है, सो व्हाट इज द रिलेशन नाउ, द रिलेशन क्या हो जाएगा, रिलेशन है, अच्छा एक चीज और, इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट जो होगी है ना, इसकी जो यूनिट है, यूनिट के बारे में पता होना चाहिए, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, दैट इज जूल. ठीक है, या फिर मैं लिख सकता हूं किलो जूल पर केजी केल्विन, ये हो जाएगा किलो जूल पर केजी, ये हो गया केल्विन, इसकी यूनिट ये होती है, राइट. और आर बार की यूनिट जो होती है वो क्या होती है, दैट इज किलो जूल पर किलो मोल केल्विन, दोनों में डिफरेंस है ना, इसकी यूनिट किलो जूल पर किलो मोल केल्विन और इसकी यूनिट किलो जूल पर केजी केल्विन. ठीक है, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द आर एंड आर बार की बात हो रही है. नाउ आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सोचो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सो दैट इज नथिंग बट द आर बार अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस, मॉलिक्यूलर वेट किसका मॉलिक्यूलर वेट, गैस का मॉलिक्यूलर वेट, राइट, किसका मॉलिक्यूलर वेट, गैस का मॉलिक्यूलर वेट, राइट. सो आर इज इक्वल टू आर बार अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस, राइट. तो यहां से हम लोग ये भी बोल सकते हैं क्योंकि आर बार तो कॉन्स्टेंट है, ये तो कॉन्स्टेंट है, सो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस, राइट. सो अगर हम लोग दो गैस को कंपेयर करें, जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं जैसे बता दूं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, अगर इसके आर को कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना होता है, ठीक है, तो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो आपके पास 32 है, राइट, और इसका मेरे पास कितना होता है, दैट इज 28, राइट. तो यहाँ से आप ये बता सकते हो कि भाई जो नाइट्रोजन के लिए जो आर होगा, मॉलिक्यूलर वेट किसका ज़्यादा है, ऑक्सीजन का, कम किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए, तो जो आर होगा N2 का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द O2, राइट. इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, राइट. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द आर एंड आर बार, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द आर एंड आर बार, आर और आर बार के बीच में क्या है, दैट इज रिलेशन, राइट. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस रिलेशन, क्योंकि ये हमेशा आपको जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है, ये आपको हमेशा जरूरत पड़ेगा, ठीक है भाई, चलो क्लियर है पॉइंट, राइट. नाउ नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, थर्ड आपके पास जो प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी आइडियल गैस की, राइट. थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी ये है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द थर्ड प्रॉपर्टी के लिए मैं बोल सकता हूं कि जो इन केस ऑफ आइडियल गैस, इंटरनल एनर्जी इज ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, राइट. अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं आइडियल गैस, तो आइडियल गैस के केस में दैट इंटरनल एनर्जी इज ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, राइट. सो सीधी सी बात है, अगर इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है, और टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा होगा तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी ही होगी, राइट. तो देखो कैसे लिख रहे हैं, अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, डायरेक्टली मैं यहां पे लिखता हूं चेंज इन इंटरनल एनर्जी को, राइट. ये जो डीयू है ना, डीयू, राइट, ये जो डीयू है, इस डीयू को मैं क्या लिख सकता हूं, या फिर एक काम कर सकते हैं आप, ऐसा लिख लो, राइट, जो लिखा है इसका मतलब क्या है, जो इंटरनल एनर्जी है दिस इज ओनली फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी जो है वो इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किसका फंक्शन होगा, टेम्परेचर का फंक्शन होगा, राइट. अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम होगा तो इंटरनल एनर्जी जो है वो कम होगी, राइट. नाउ यहां से अगर आप देखोगे तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं, डी यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये हो गया, दैट इज नथिंग बट द डीटी, डी यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीटी, राइट. प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो यहां पे एक कांस्टेंट होगा, दैट इज नथिंग बट द हीट कैपेसिटी, राइट. और ये मैं क्या लिख सकता हूं, ये हो जाएगा तुम्हारे पास, दैट इज नथिंग बट द, ये हो जाएगा एम इंटू, ये हो जाएगा तुम्हारे पास सी वी, और ये हो गया तुम्हारे पास डीटी, राइट. तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, द डी यू इज इक्वल टू, दैट इज नथिंग बट द एम सी वी डी टी, डी यू इज इक्वल टू एम सी वी, और ये हो गया मेरे पास डी टी, करेक्ट है. अच्छा, ये जो सी वी है, ये सी वी मेरे पास क्या है, दैट इज नथिंग बट द, ये जो सी वी आप देख रहे हो ना, दिस सी वी इज नथिंग बट द स्पेसिफिक हीट, ये मेरे पास क्या है, दैट इज द स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम,
करेक्ट है। अगर मैं सीवी की बात करूं तो सीवी मेरे पास क्या है, दैट सीवी इज नथिंग बट द स्पेसिफिक हीट एट द कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, राइट। और स्पेसिफिक हीट क्या होता है, वॉट इज द यूनिट, दैट यूनिट इज नथिंग बट द जूल पर के जी कैलविन, जूल पर के जी कैलविन यही होगा, राइट। सो एक के जी सब्सटेंस का एक कैलविन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए एक के जी या फिर जूल पर के जी कैलविन, या फिर सेम होगा जूल पर के जी कैलविन, या फिर आपके पास ऐसा भी लिख सकते हो जूल पर के जी डिग्री सेल्सियस, जूल पर के जी डिग्री सेल्सियस सेम आएगा, अलग नहीं है, राइट। क्यों सेम है भाई, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे ठीक है टेम्परेचर चेंज की बात होती है, और टेम्परेचर चेंज की अगर बात हो रही है तो चाहे आप केल्विन में बात करो या डिग्री सेल्सियस में बात करो, दैट मीनिंग इज सेम, राइट। सो क्या होगा, एक के जी सब्सटेंस का एक केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए या एक के जी सब्सटेंस का एक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए होगा कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे, उसको हम बोलते हैं दैट इज अ स्पेसिफिक हीट एट द कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, राइट। सो डी यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट द एम सी वी डी टी, राइट। और ये किस बेसिस पे है, ये आपके पास है किस बेसिस पे हो गया, ये हो गया आपके पास मास बेसिस पे, है ना। ये आपके पास किस बेसिस पे, ये आपके पास है मास बेसिस पे, राइट। यहां पे अगर आप देखोगे तो ये किस बेसिस पे, ये है आपके पास मास, ये आपके पास मास बेसिस पे, राइट। मोलार बेसिस पे देखना है, अगर मोलार बेसिस पे देखना होगा तो मोलार बेसिस पे क्या हो जाएगा, अगर हम मोलार बेसिस की बात करें तो मोलार बेसिस पे क्या हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट द, ये हो जाएगा डी यू इज इक्वल टू दैट इज नथिंग बट द एन सी वी बार, और ये हो गया डी टी, एन सी वी बार डी टी, दिस इज नथिंग बट द डी यू, राइट। सो वॉट इज द एन, वॉट इज द सी वी बार, राइट। सो यहां से अगर मैं बात करूं एन मेरे पास क्या, दैट एन इज नथिंग बट द नंबर ऑफ किलो मोल्स, एन मेरे पास क्या है, एन मेरे पास है नंबर ऑफ किलो मोल्स, एन इज नथिंग बट द नंबर ऑफ किलो मोल्स। और अगर मैं सी वी बार की बात करूं तो सी वी बार मेरे पास क्या है, दैट इज नथिंग बट द मोलार स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, मोलार स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, मोलार स्पेसिफिक हीट एट द कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, राइट। सो एन सी वी बार डी टी, क्लियर है पॉइंट। और ये मेरे पास यहां पे जो देख रहे हो ये किस बेसिस पे है, ये आपके पास है मास, सॉरी ये मोलार बेसिस पे, ठीक है, ये किस बेसिस पे, ये आपके पास है मोलार बेसिस पे, राइट। सो होप इट इज क्लियर टू एवरी वन, आई होप इट इज क्लियर टू एवरी वन। सो यहां तक हम लोगों ने तीन प्रॉपर्टीज देखी है, तीन प्रॉपर्टीज देखी है, रिमेनिंग प्रॉपर्टीज वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है। जो आइडियल गैस की जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। सो आई होप यहां तक आप लोगों को सारा चीज क्लियर हो गया होगा आज की क्लास का। अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी, अगर आपको कोई भी डाउट है आज के सेशन में तो आज के सेशन का कोई भी डाउट अगर है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आज के सेशन में अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा होगा तो बिल्कुल आप पूछ सकते हो। ठीक है, कोई भी डाउट है आज के सेशन में, सो आई एम एज्यूमिंग कि आपको कोई भी डाउट नहीं है, है ना, कोई भी डाउट नहीं है। अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। और कोई भी डाउट नहीं है तो फिर कल के सेशन में हम लोग मिलते हैं, ठीक है, कल के सेशन में मिलते हैं मॉर्निंग 8 बजे, ठीक है। सो आज का जो सेशन है, आज के सेशन को एंड करने से पहले, बिफोर एंडिंग दिस सेशन, ठीक है, बिफोर एंडिंग दिस सेशन, सो अगर आप चाहते हो कि आपकी जो प्रिपरेशन की जो जर्नी है, ठीक है ना, प्रिपरेशन की जर्नी है वो अन अकेडमी के टॉप एंड बेस्ट एजुकेटर के साथ हो, राइट, सो उसके लिए आप ये प्लान कर सकते हो, आप प्लान कर सकते हो अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आइदर प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान कर सकते हो या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान कर सकते हो या फिर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान कर सकते हो। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान करते हो, राइट, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान करते हो तो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट दी लाइव क्लासेस, प्रॉपर वे में क्रैश कोर्स, राइट, प्रॉपरली वीकली टेस्ट, प्रॉपर बेसिस पे वीकली टेस्ट, राइट, डाउट सॉल्विंग क्लासेस, राइट, हर थर्ड क्लास के बाद दैट फोर्थ क्लास इज अ डाउट सॉल्विंग क्लास, तो डाउट कोई रहेगा ही नहीं। क्लास विल बी इन हिंदी एज वेल इन इंग्लिश, क्लास आपके पास हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी, आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसमें क्लासेस कर सकते हो, राइट। एंड इफ यू आर प्लानिंग फॉर द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, सो जो प्लस का जो बेनिफिट है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट उसके अलावा और क्या बेनिफिट है, ठीक है, सो देर इज अ पर्सनल कोच, आपको पर्सनल कोच अलॉट होगा जिससे आप वन ऑन वन गाइडेंस ले सकते हो रिगार्डिंग प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, प्रॉपर वे में स्टडी प्लान, इन अ प्रॉपर वे देर इज अ स्टडी प्लान, टाइम टाइम पे आपके पास स्टडी बूस्टर सेशन,
right? Proper test analysis and proper notes and the practice sets, ये भी आपको मिलने वाला है, right? So iconic में जो plus का benefit है, ठीक है, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपके पास extra ये भी benefit है iconic में, right? So if you are planning for the plus subscription, अगर आप plus subscription plan करते हो 12 month के लिए, right? Then this is the amount जो आपको pay करना होगा, this is the amount जो आपको pay करना होगा. अगर आप 18 month के लिए अगर आप plus subscription plan करते हैं, then this is the amount जो आपको pay करना होगा. और अगर आप 24 मंथ के लिए अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान करते हो, देन दिस इज द अमाउंट जो आपको पे करना होगा, राइट? एंड रिमेंबर दीज अमाउंट्स आर आफ्टर यूजिंग दिस कोड CHA10, राइट? सो CHA10 अगर आप यूज करते हो तो डेफिनेटली, ठीक है, यू इफ यू आर अंडर माय मेंटरशिप, ठीक है. अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करते हो, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान करते हैं, देन दिस इज द अमाउंट जो आपको पे करना होगा 12 मंथ के लिए, राइट? और 24 मंथ के लिए, दैट मींस फॉर 2 ईयर अगर आप प्लान करते हैं, देन दिस इज द अमाउंट जो आपको पे करना होगा. इज इट क्लियर, राइट? सो अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान करते हो, अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान करते हो, तो 1 ईयर के लिए ये अमाउंट है और 2 ईयर के लिए आपके पास ये अमाउंट है, राइट? ईएमआई का ऑप्शन भी आपके पास है. अगर आप ईएमआई के ऑप्शन पे जाना चाहते हो तो ईएमआई के ऑप्शन पे जा सकते हो. आपको कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देना है, ठीक है. नाउ दिस इज अ ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ऑफ अनअकैडमी, ठीक है. ये चैनल अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिए, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ऑफ अनअकैडमी, राइट? एंड दिस इज अ ऑफिशियल फेसबुक, ये आपके पास ऑफिशियल फेसबुक ग्रुप है. सो अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज ज्वाइन दिस ग्रुप, इस ग्रुप को आप ज्वाइन करिए, ठीक है. एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन, ठीक है. इफ यू रियली लाइक दिस सेशन, अगर आपको पसंद आया है, ठीक, आपको बेनिफिट हुआ, तो लाइक करिए, ठीक है, सेशन को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन. सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे.